जय हिंद स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे हम लोग अपना सीटेड पेपर टू के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपना कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है छोटे मोटे चैप्टर बचे हैं उनको मैं प्रैक्टिस सेट में ले लेता हूं ठीक है ना और आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट होने वाला है आज की ये वीडियो एक आपके लिए काफ़ी बड़ी वीडियो हो सकती है आप तो रिकॉर्डेड देखेंगे तो आपको दिख जाएगा आज लगभग हम 10 से 12 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको कवर करेंगे उनके कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे जो थ्योरी पोर्शन है और उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनको भी देखेंगे ठीक है ना तो एक ही वीडियो में मैं पूरा आपकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स के पूरा समेटने की पूरी कोशिश करूंगा ठीक है और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं ठीक है थीके? चलिए एक एक क्वेश्चन को अपना एक एक थ्योरी को कायदे से समझेंगे देखिए मैं एक बार में दो थ्योरी को साथ में लूंगा दो चैप्टर ठीक है ना जैसे देखिए पहला हम दो चैप्टर लेंगे कौन सा आपका पहला है एक डिविजिबिलिटी रूल और एक एलसीएम और एच के कॉन्सेप्ट को समझेंगे देन उसके बाद इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे फिर नया चैप्टर लेंगे फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस तरीके का आज आज का अपना जो है सेशन चलने वाला है ठीक है ना चलिए सबसे पहले हम लोग विभाज्यता का नियम देख लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल देखिए अगर मैं बात करूं डिविजिबिलिटी रूल का तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ठीक है ना अगर मैं उन्हीं सारे टॉपिक को पहले लिया हूं जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके सबसे पहले अगर हम विभाज्यता का नियम देखें तो हम देखते हैं कि तीन से विभाजित का नियम ठीक है ना तीन का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर अंकों का योग तीन से डिविजिबल है तो पूरी संख्या तीन से भाग होगी ठीक है ना जैसे अगर मैं ये बोल देता हूं कि वन टू थ्री क्या एक सौ तेईस तीन से भाग है तो आप कहोगे की तीन प्लस दो पांच और एक छीन से भाग हो रहा है इनका सम छ तीन से भाग हो रहा है तो ये पूरी संख्या तीन से भाग होगी कहने का मतलब ये है ठीक है ना देखो यहाँ पे लिखा भी है कि एक संख्या तीन से पूर्णतः विभाज्य होती है यदि उनके अंकों का योग तीन से विभाज्य है यही नियम नाइन को भी लगता है ठीक है ना अगर नौ का डिविजिबिलिटी रूल है तो उसमें भी क्या होता है कि अगर कोई संख्या नौ से भाग होगी कि नहीं होगी हम उनके अंकों का योग कर लेंगे अगर वो पूरी संख्या उनके अंकों का योग नौ से भाग हो गया तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी नौ से भाग हो जाएगी ठीक है ना जैसे देखो आपके पास ये अठारह है तो आठ प्लस एक ये नौ हो गया और ये नौ से भाग होता है तो अठारह नौ से भाग होगा एक सिंपल सा समझाने के लिए ठीक है तो ये डिविजिबिलिटी रूल पता हो गया तीन और नौ का अगला डिविजिबिलिटी रूल हम देख लेते हैं चार का देखिए चार का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कोई भी संख्या का अगर अंतिम दो अक्षर ठीक है ना कह रहे हैं यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक चार से विभाजित होते हैं तो वह संख्या पूरी की पूरी चार से विभाज्य होगी इसका अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देना चाहूं जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूं चौबीस और यह मान लो एक लिख दिया तो ये लास्ट की दो संख्या है इसको केवल डिवाइड कर दो अगर चार से तो आपकी पूरी की पूरी 124 सौ चार से डिवाइड हो जाएगी 24 छह बार में कट जाता है चार छक चौबीस तो ये छह बार में कट गया तो आप कहोगे कि 124 सौ चार से डिविजिबल है ठीक है ना सेम इसी बेसिस पे होता है आपका नियम कौन सा आठ का आठ का रूल क्या कहता है कि अंत की तीन संख्याएं क्या किसी संख्या के आ, क्या कहते हैं आखिरी तीन अंक अगर आठ से विभाज्य है तो पूरी संख्या आठ से विभाजित होगी यह बात समझ गए तो इसका भी अगर एग्जाम्पल दे दू मैं आपको पांच सौ बारह जैसे है अगर इसके पहले मैंने लिख दिया एक पंद्रह बारह लिख दिया ठीक है अब इसको चेक कर लो केवल पांच सौ बारह को चेक कर लो आठ से जा रहा है क्या तो आठ पच्ची चालीस आठ छ अड़तालीस आठ, आठ सतन हो जाता है आठ छ का अड़तालीस हो गया और तीन आठ चौक बत्तीस ये कट रहा है आठ से तीन ये ये तीन डिजिट अगर आठ से कट रही है ये पूरी की पूरी संख्या आपकी आठ से कटेगी ठीक है ना ये आठ का डिविजिबिलिटी रूल हो गया अब उसके बाद आ जाते हैं पाँच के पाँच का नियम क्या कहता है ये बहुत आसान होता है यदि किसी संख्या में चाहे उसमें कितने भी अंक हों इकाई के स्थान पर जीरो हो या पाँच हो तो वह संख्या पाँच से भाग होती है बात समझ गए अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में जीरो हो जैसे मान लो दस हो गया तो पांच से कटेगा या पच्चीस हो गया तो पांच से कटेगा लास्ट की डिजिट जो है जीरो हो या पांच हो तो ये सिंपल सा रूल था मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल आपका आ जाता है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं मैं वो भी अभी डिस्कस करूंगा इलेवन का आ जाता है ग्यारह का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है वो समझ लो ये कहता है कि विषम स्थानों पर संख्याओं का योग तथा सम स्थानों पर आ, संख्याओं का योग करने के बाद उनका जो अंतर होता है वो जीरो हो जाए या ग्यारह से विभाज्य हो जाए तो वो संख्या ग्यारह से डिविजिबल होती है ऐसे नहीं समझोगे एग्जाम्पल से समझोगे जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले लेता हूं जैसे एक सौ इक्कीस ले लिया अब आप क्या करोगे एक छोड़ के एक अंक को जोड़ो एक प्लस एक दो हो गया अब इसके आगे तो कुछ नहीं तो ये दो ही हो गया तो इनका अंतर करो तो जीरो आ गया तो ये संख्या क्या है एक सौ इक्कीस ग्यारह से भाग लगेगी या फिर अगर इनका अंतर ग्यारह के डिविजिबल का कोई भी आ जाता तो भी ग्यारह से भाग लगता ये सिंपल सा नियम होता है ठीक है ना तो ये जो बेसिक नियम थे वो हमने समझ लिए और उसके बाद आपका एक सात का डिविजिबिलिटी रूल आता है इसमें नहीं लिखा है देखो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा वैसे सात का डिविजिबिलिटी रूल हम आपको बताएं क्या होता है थ्री फोर्टी थ्री अगर है तो ये जो लास्ट की संख्या होती है ना इसको दो गुना करके इसमें से घटाइए चलो यहां नियम समझा देता हूं पहले थ्री फोर थ्री ये लास्ट वाली संख्या का दो में गया तो 28 आ गो छा दो संख्या आई है 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 अगर ये ये से से कट रही है, तो से कट रही रही तो तो पूरी संख्या आपकी सात से कटेगी ये नियम होता है लेकिन मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी कभी सात से डिविजिबिलिटी आए ना तो बल्कि पूरा का पूरा डिवाइड कर लेना ठीक है ना सात से भाग लगा लेना नियम से आसान पड़ता है जितना लेवल आपसे पूछा जाएगा ठीक है ना सात से चले गए लेकिन एक चीज ये है ना कि एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछता है कि तीन का बता दो क्या होगा पाँच का बता दो क्या होगा आपसे वो पूछेगा कि बहत्तर से कौन सी संख्या डिवाइड होगी तो देखो अगर बहत्तर का आता है डिविजिबिलिटी रूल तो हम लोगों ने तो बहत्तर तक नहीं पढ़ा है तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं ठीक है कैसे आठ और नौ में तो अगर कोई संख्या आठ से भी कट रही है साथ ही साथ नौ से भी कट रही है तो पूरी की पूरी संख्या किससे कटेगी बहत्तर से कट जाएगी आसानी से इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन बनता है अट्ठासी पे अगर आपसे कहता है कि कोई संख्या अट्ठासी से कट रही है कि नहीं ये जांच करो तो आप पहले कहोगे कि मैं आठ से चेक कर लेता हूं और ग्यारह से तो अगर आठ से भी कटे ग्यारह से भी कटे तो आप कह देना पूरी संख्या किससे कट रही है अट्ठासी से कट जाएगी ठीक है ना तो थ्योरी रिवाइज हो गई अब मैं एलसीएम की भी एलसीएम की भी थ्योरी थोड़ी सी रिवाइज करवा देता हूं देन आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर डिस्कस कर दूंगा ठीक है ना <coughs> चलो तो यहां पे आ गया यहां तक आपको आई थिंक चीजें समझ आ रही होंगी अब मैं बात करता हूं अगर एलसीएम और एच की पहले तो मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूं जैसे एलसीएम निकालता हूं मैं बीस तीस साठ का आपके क्वेश्चन है बीस हो गया तीस हो गया साठ हो गया इसका एलसीएम बता दो क्या होगा ये बेसिक चीज़ें बस बता रहा हूं कि आपको चीज़ें रिकॉल हो जाए ये देखिए आपका एक रिवीजन सेशन है जिसको बहुत डिटेल में पढ़ना है मैंने कॉन्सेप्ट क्लासेस पढ़ा रखी है पूरे प्ले लिस्ट वहाँ पर जा करके एक एक चैप्टर को आधे आधे घंटे दे देकर दे के पर्सनली पढ़ाया है तो वो देख सकते हैं आप ठीक है देखो पहला नियम क्या होता है कि इसका लॉन्ग डिविजन इससे फैक्टर मेथड होता है बीस तीस साठ अब क्या कर रहे है? हमने दो से भाग किया तो दस बार में गया तीन से किया पंद्रह बार में साठ से किया साठ को किया तो तीस बार में फिर देखिए दो से कर दीजिए दो पच्चे दस जो नहीं कट रहा है उसको एज इट इज रख दीजिए और ये फिर पंद्रह बार में चला जाएगा फिर उसके बाद दो से नहीं जाएगा अब ठीक है ना इसमें से कोई भी संख्या दो से नहीं कट रही है तो अब आप क्या करोगे तो तीन से कट रही है तो तीन से काट देते हैं तो देखो तीन से काट देते हैं तीन से पांच नहीं जाएगा जो नहीं कटेगा उसको एज इट इज ले लो तीन पचे पंद्रह और ये आपका आ जाएगा तीन पचे पंद्रह गया अगला किससे काटेंगे पाँच से तो सारे कट करके आ आ जाएंगे ठीक है ना जब एक -एक आ जाते हैं तो वहीं छोड़ देते हैं हम लोग ठीक है <coughs> तो एल्सियम के लिए क्या करते हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो किसका पांच पंद्रह तो इसका आंसर जो इनका आंसर जो आ जाएगा एल्सियम का एल्सियम जो निकल करके आ जाएगा वो साठ आ जाएगा ठीक है ना सॉरी तो ये बेसिक चीज समझ में आ गया अब एच कैसे निकालते हैं जैसे मान लो बीस तीस साठ का ही मुझे एच निकालना है ठीक है ना क्या करना है बीस तीस साठ का एच निकालना है तो वैसे तो यहाँ हमने लिख रखा है आपको मैं फिर से करके दिखा देता हूँ ठीक है ना रुको एच निकाल के दिखा देता हूँ फिर से आपको क्या करना है इनमें से कोई दो संख्या ले लो ये भाग विधि होती है एच निकालने की आ, बीस तीस साठ में से मान लो हमने तीस और बीस ले लिया बीस से भाग दो तो बीस एक कम बीस हो गया बचा कितना दस फिर ये वाली संख्या जो यहाँ थी इसको फिर बच्चे से भाग दे दो तो दस दूनी बीस ठीक है ना तो ये कट गया अब ये बचा आपका दस इसमें कौन सा बचा हुआ था एक साठ बचा था तो दस से साठ को भाग लगा के देखो क्या कट रहा है <coughs> सॉरी तो दस छैंक साठ ये पूरा काट दे रहा है तो ये जो बचा दस आया ना तो यही आपका दस क्या हो गया एच हो गया ठीक है ना ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया ये बेसिक रूल बस आपको पता होने चाहिए अभी मैं क्वेश्चन जब करवाऊंगा ना तो इसके बिल्कुल अलग तरीके से कराऊंगा आप डायरेक्ट क्वेश्चन से जो करोगे ना आंसर से ही कर सकते हो ऑप्शन से ही कर सकते हो ठीक है अच्छा एलसीएम एल्सियम में कुछ बेसिक रूल होते हैं जिनको जानना आपके लिए काफी जरूरी हो जाता है वो रूल क्या है कि एल्सियम अगर मान लो एक्स बटा वाई का एल्सियम मुझे निकाल देखो क्या है ना पेज भरे भरे हैं तो आपको मेरी बात पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है जो मैं बातें बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनोगे तो सारा डाउट क्लियर होता जाएगा ठीक है ना <coughs> सॉरी देखिए अगर आपको एक्स बटा वाई का एलसीएम की बात करता है तो देखिए यहां पे लिखा है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन के लिए तो अन, जब एलसीएम निकालोगे तो अंश का एलसीएम निकालो हर का हर का क्या निकालोगे एच निकालते हैं हर का अंश का देखो एलसीएम बोलेगा तो अंश जिसका जो बोलेगा वो अंश के साथ कर देना ऊपर वाले के साथ मतलब न्यूमरेटर के साथ एलसीएम बोला तो अंश का एलसीएम निकाल के नीचे हर का एच कर दो अगर आपसे कहता है कि फ्रैक्शन का एच निकाल दो तो आप अंश का एच निकाल के बचे हुए का क्या निकाल दोगे एलसीएम निकाल दोगे तो जो कहेगा वही अंश के साथ कर देना नीचे उसका अपोजिट कर देना ठीक है ना तो ये समझ गए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम होता है कि दो संख्याओं के लसा और मसा का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है ठीक है ना तो आई होप आपको यह वाला पहला टॉपिक जो है LCM, HCF का बेसिक समझ आ गया होगा ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे ये आप लोगों का एक रिवीजन सेशन है मैं फिर से कहता हूं जिसको लगता है कि और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो चैप्टर मैंने करा रखे प्ले लिस्ट खोलेंगे चौथी या पांचवें नंबर की प्ले लिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी मैथ टारगेट दिसंबर के नाम से सब कुछ उसमें पढ़ा रखा है एक एक टॉपिक को ठीक है ना अच्छा अब एक जो है आपसे से क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है इसमें जैसे आपको दे देगा कि x की वैल्यू है दो की घात चार तीन की घात गुड़ा तीन की घात तीन गुड़ा पांच की घात दो इस तरीके से एक्स वाई जेड दे देगा अब आपसे कहेगा कि एक्स XY वाई का एक्स वाई जेड का एल्सियम बता दो ठीक है ना तो एल्शियम का मतलब होता है सबसे बड़ी बड़ी पावर को पकड़ लो जैसे दो दो, दो. इन तीनों में देखो दो की सबसे बड़ी पावर कौन है यहां चार है यहाँ दो है यहां तीन है तो चार वाली आप पकड़ लो तो दो की घात चार हो गई ठीक है ना इन टू इनमें तीन तीन की घात में सबसे बड़ी पावर पकड़ लो तो एक है दो है तीन है तो तीन सबसे बड़ी है तो यहां पर आप ले लो तीन की घात तीन अब इनमें सबसे बड़ी पावर पकड़ लो दो तीन एक में सबसे बड़ी पावर आपकी तीन आ गई तो गुणा कर दो पांच की घात तीन ये आपका क्या निकल के आ गया एल्सियम ऑफ एक्स वाई जेड वैसे यहां पे हमने निकाल रखा था लेकिन आपको फिर से बता देता हूं ठीक है ना ये जो कुछ शॉर्ट सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं ये इसलिए किए हैं कि ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो ठीक है ना क्योंकि हमें ये सेशन को काफी लंबा लेके चलना है सारे चैप्टर को रिवाइज करना है अपने ठीक है ये हो गया अच्छा जब आप एच निकालोगे क्या एच तब क्या करोगे इन सब में टू और मान लो पहले टू को देखो सबसे छोटी पावर पकड़ो चार दो तीन में सबसे छोटी पावर दो है तो दो की पावर दो आंसर में आ जाएगा तीन में तीन की पावर एक आ जाएगा पांच में पांच की पावर एक आ जाएगा आप आई होप सब आप लोग समझ गए होंगे तो अगर एच निकालोगे तो सबसे छोटी पावर कॉमन वाली ढूंढोगे एलसीएम निकालोगे तो सबसे बड़ी वाली पावर ढूंढोगे ठीक है ना यहां से सीटेड बार बार आपसे क्वेश्चन पूछता रहता है ठीक है तो अभी हमारे दो चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए अब हम इन दो चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ठीक है ना चलो आ जाते हैं देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कह रहा है है यदि नौ अंकीय संख्या ये दे रखा है इतनी बड़ी संख्या कह रहा है बहत्तर से विभाज्य है तो तीन एक्स प्लस दो वाई का मान क्या होगा आपसे ये पूछ रहा है इसका मतलब हमें पहले एक्स निकालना है और वाई एक्स और वाई को निकलवा रहा है ये कह रहा है बहत्तर से भाग हो रही है ये संख्या तो अगर कोई संख्या बहत्तर से भाग हो रही है इसका मतलब वो आठ से भी हो रही है और साथ ही साथ नौ से भी हो रही है ठीक है ना तो हम पूरा बेहतर से नहीं चेक करेंगे हम क्या करेंगे पहले आठ से चेक कर लेते हैं फिर नौ से तो आठ का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट की तीन संख्याएं अगर भाग हो जाती हैं आठ से तो पूरी की पूरी संख्या आठ से डिवाइड हो जाती है ठीक है ना यही तो कह रहा था तो अब हम कर लेते हैं इसको तो आठ से भाग तो अगर मैं इसको आठ से भाग करूं तो सोचो क्या होगा यहां पे हो जाएगा आठ निम बहत्तर यह आ जाएगा बहत्तर आ जाएगा और छ आ गया ठीक है ना अब मुझे बताओ छः के बगल में ऐसा कौन सा नंबर छोटे से छोटा रखूं कि आठ से वो कट जाए तो आप कहोगे कि सर एक रखोगे तो इकसठ नहीं कटता है दो पे बासठ नहीं कटता तीन पे तिरसठ नहीं कटता चार रख के देख लो चौंसठ कट जाएगा तो आठ अट्ठे चौंसठ हो जाएगा इसका मतलब वाई को हमें क्या लेना है वाई को आप कहोगे कि सर आप चार ले लो तो मैंने ले लिया ठीक है ना वाई चार ले लिया समझ गए ठीक है अब हमारे पास y की वैल्यू पता चल गई आठ से तो हमने चेक कर लिया अब हमारा फर्ज है कि इसको नौ से चेक करते हैं तो चलो नौ से करते हैं ये वाली बात हम यहां से हटा देते हैं ताकि लिखने में दिक्कत ना हो ठीक है ना नौ वाला रूल क्या कहता है नौ आठ पांच यहां पे x है ठीक है ना ये x रहा ठीक कोई बात नहीं है तीन छ सात आठ अब वाई नहीं रखूंगा मैं वाई की जगह चार रख देता हूं यहां चार रख दिया इसका नियम क्या कह था मैंने बताया था ना? नौ से अगर कोई संख्या डिवाइड होती है तो इन पूरी अंकों का योग नौ से डिवाइड होगा तो ये आप एक काम करो या तो इन सबको जोड़ लो फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू निकाल लो या मेरी बात मानो तो और आसान कर देता हूं क्या कर दू देखो जो नौ जि, जितने नंबर का पेयर नौ बन रहा है उनको हटाते जाओ नौ खुद से नौ कट जाएगा और उसके बाद छ तीन मिलकर के नौ ये भी हट गया ठीक है ना और क्या बन जाएगा पांच और चार ये नौ बना रहा है ये भी हट गया ठीक है ना और आपके पास अब बच गया सात आठ और अट्ठारह सॉरी आठ आठ सात पंद्रह पंद्रह आठ कितना होता है बीस तीन तेईस तो ये तेईस हो गया अब प्लस का एक्स बचा अब मुझे ये बताओ तेईस में ऐसा क्या जोड़ दूं कम से कम कि वो नौ से कटने वाली संख्या बन जाए अगर कहो कि एक रख दो एक्स की वैल्यू तो चौबीस नौ से नहीं कटता है दो रख दो नहीं कटेगा पच्चीस भी नौ से नहीं कटता छब्बीस भी नहीं कटता सत्ताईस कटता है तो हमें एक्स की वैल्यू कितना अच्छा चौबीस कटता है क्या नौ नौ दुनिया अठारह नौ दुनिया सत्ताईस अगला सत्ताईस कटेगा ठीक है ना तो इसको मुझे सत्ताइस बनाने के लिए एक्स को कितना लेना पड़ेगा आप ही बताओ तो आप कहोगे कि सर अगर आप इसे सत्ताइस बनाना चाहते हो तो तेईस चार सत्ताइस होता है एक्स को भी चार ले लो ठीक है ना तो आई होप ये चीजें सही तो है ना हमने सही ले लिया ठीक है तो एक्स भी चार आ गया वाई भी हमारा चार आ गया तो अब हम अगर यहाँ पे जो इसने कहा है यहां पे वैल्यू रख के देखते हैं तो चार तियाई बारह और ये आ जाएगा दो चौके आठ बारह और आठ बीस हो जाएगा यहाँ वैल्यू रख दो सिंपल सा आप देखो यहाँ पे इसने पूछा है तो तीन गुणा चार प्लस दो गुणा चार तो तीन चौके बारह हो गया और दो चौके आठ हो गया बारह आठ बीस हो गया तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपका ट्वेंटी आ जाएगा ठीक है ना आई होप आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर करा पाया हूं मैं अगर चीज़ें समझ आती हैं अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दिया करो कि सर चीज़ें समझ आ रही हैं हमें ठीक है ना चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फिर एक डिविजिबिलिटी का ले लिया यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप है दे दूंगा। ये ध्यान रखना। नहीं है तो जरा देखो इनको देखो एक दो तीन चार पांच छ एक चीज बताऊं अगर कोई संख्या खुद को रिपीट कर रही है क्या कोई संख्या खुद को रिपीट कर रही है और वो सम बार रिपीट कर रही है मतलब दो बार चार बार छह बार आठ बार तो वो हमेशा ग्यारह से भाग होती है ये याद रखना क्यों क्योंकि देखो दो दो चार दो छ और इधर दो दो चार दो छ इनका अंतर जीरो आ रहा है ये ग्यारह से भाग होगी तो ये आपका उत्तर नहीं होगा तो उसी तरीके से एक दो तीन चार पाँच सम टाइम तीन ने खुद को रिपीट कर लिया तो ये भी ग्यारह से भाग होगा पर इसको जरा ढूंढो इसको ऐड करो एक छोड़ के एक ऐड करते हैं एक प्लस एक दो और एक तीन तीन एक चार तो चार आ गया और इनको ऐड करो जरा तो जीरो प्लस एक और प्लस जीरो एक फिर तीन ये चार बन गया तो माइनस चार तो ये अंतर जीरो आ गया इसका मतलब ये भी ग्यारह से भाग होगा ये आंसर नहीं होगा तो एक ही बचा ये आपका आंसर हो जाएगा ठीक है ना ये संख्या आपकी ग्यारह से डिवाइड नहीं होने की आई होप आपको समझ आ गया होगा ठीक है ना थोड़ा मैं आराम से बोलूंगा क्योंकि हम लोग को लंबा चलना है इस पर ठीक है ना ये देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है अब एक दो क्वेश्चन मैं एलसीएम और एचसीएफ का ले लेता हूं ठीक है ना बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ध्यान देना है आप लोगों को ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन अगर आप दिमाग से खेलोगे तो कर पाओगे ठीक है ना देखो कह रहा है यदि ए की वैल्यू 360 है बी की वैल्यू 900 है तो ए और बी का एलसीएम a ए और बी का मतलब 36 हमें क्या करना है 360 और 900 का एलसीएम को भाग करना है इसके एलसीएम को भाग लगाना है इनके मतलब 360 और 900 के किससे एच से, HCF से.

एलसीएम या तो वो बड़ी वाली उनमें से सबसे बड़ी वाली संख्या होती है या उन्हीं का कोई फैक्टर एलसीएम होता है हमेशा ये बात याद रखना ठीक है ना तो आप कहोगे कि सर 900 को ही चेक कर लेते हैं देखो 900 360 से नहीं कटेगा क्यों आप चाहो तो देख लो जीरो को जीरो काट लो छत्तीस कभी नब्बे को काट ही नहीं पाएगा ठीक है ना तो इसका मतलब तो नौ नहीं हुआ अब नौ का अगला फैक्टर क्या होगा नौ दुनिया अट्ठारह इसका मतलब अट्ठारह हो गया ठीक है ना या तो ये एलसीएम होगा चेक करते हैं नौ सौ से मैंने अट्ठारह सौ को काटा काट दिया पूरी तरह कट जाता है बिल्कुल कट जाएगा तीन सौ साठ से अगर मैं अट्ठारह सौ को काटू तो बताओ कटेगा कि नहीं कटेगा आप कहोगे कि बिल्कुल कट जाएगा जीरो से जीरो कट गया अब छत्तीस से अट्ठारह एक सौ अस्सी काटोगे तो किससे कटेगा नौ चौक छत्तीस और नौ दुनिया अट्ठारह या बीस चार पच्ची बीस हाँ कट रहा है ठीक है ना तो जब दोनों ही कट जा रहे हैं ये और ये इसको पूरी तरीके से काट दे रहा है इसका मतलब जो अट्ठारह सौ है यही आपका एलसीएम बन गया तो इन दोनों का एलसीएम निकल करके कितना आ गया अठारह ठीक है ना एच कैसे निकालोगे एच देखो दिमाग से निकालोगे तो भी निकल जाएगा भाग विधि से निकालोगे तो भी निकल जाएगा जैसे 360 है आपका और 900 है इसका हमें निकालना है क्या एच यही तो निकालना है ना तो देखो क्या करोगे आप लोग ये देखो कि वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसको भी पूरी तरह काट दे और इसको भी पूरी तरह काट दे ठीक है ना तो अगर मैं देखूं छत्तीस आ, आ रहा है और नौ आ रहा है नौ के मल्टीपल का ही कोई होगा वैसे तो एक नियम यह भी होता है कि जो सबसे छोटी संख्या होती है उसी का कोई फैक्टर होता है जो कि इसका एच बनता है ठीक है ना तो देखो यहां पे अगर मैं देखूं तो यह संख्या नौ से भी कट रही है यह भी नौ से कट रही है क्या मैं इसको एच ले लू नहीं हमें बड़ी से बड़ी देखनी पड़ती है तो यह नब्बे से भी कट रही है यह भी नब्बे से कट रही है और बड़ी चक्करों नब्बे नौ दुनिया अठारह एक सौ अस्सी से चक्करों तो ये भी 180 से कटेगा और ये भी 180 से कटेगा ये जीरो से काट दिया ये भी काट दिया 18 दूनी 36 18 पचे 90 तो देखिए 180 से दोनों संख्याएं कट रही हैं अब 180 का अगला फैक्टर लोगे ना 3600 तो नहीं कटेगा ठीक है ना 3600 से 900 कटता ही नहीं है अभी तो हमने चेक किया था तो इसका मतलब बड़े से बड़े कॉमन फैक्टर कौन सा मिल सकता है हमें वो मिल सकता है एक 180. तो इसका इन दोनों का जो एच आ जाएगा वो एक 180 आ जाएगा ठीक है ना तो एच हमें पता चल गया कितना आप कहोगे कि सर 180 पता चल गया अरे भैया आप यहां बैठो कितना आ गया 180 सौ अस्सी एक सेकेंड एक आ गया अब इसको 1800 सौ से अस्सी काटोगे एक जीरो कट गया एक 10 बार में चला गया आपका जो करेक्ट आंसर आ गया वो 10 आ गया ठीक है ना लेकिन आप लोगों को वो भी मेथड बता देता हूं जो पूरे यूट्यूब पे चल रहा है जिसको लोग पढ़ाते हैं आप देखो उस मेथड में क्या करोगे छत्तीस और नौ को फैक्टर करना क्या सॉरी तीन और नौ का इनका इस तरह से लॉन्ग डिवीजन से फैक्टर कर डालना उसके बाद एलसीएम मल्टीप्लाई कर करके निकाल लेना एक तो ये मेथड है एच निकालने का तरीका बता देता हूं कैसे निकालते हैं नौ है नौ को भाग दे दो किससे तीन से ठीक है ना फिर जिससे कटेगा वो काट दीजिए जीरो से जीरो कट गया छत्तीस से काटोगे छत्तीस दूना बहत्तर इस तरीके से काटोगे तो भी यहाँ पे एक सौ अस्सी आ जाएगा एक सौ अस्सी फिर काटोगे छत्तीस सौ से ठीक है ना तो इस यहाँ से आपका एच भी एक सौ अस्सी आ जाएगा तो आपको जो मेथड आसान लग रहा है मेरा वाला मेथड आसान लग रहा है तो इससे कर लो अदरवाइज ये वाला लॉन्ग ये देखो एग्जाम में अगर करना है तो मैं तो कहूंगा इस वाले मेथड से जाना कि बड़े वाले का फैक्टर ही उसका एच सी एफ होता है एलसीएम होता है छोटे वाले का फैक्टर एलसीएम होता है ठीक है ना सॉरी एच सी एफ होता है या फिर लॉन्ग डिविजन करके आप कर सकते हो जो आपको सही लगे उससे आप कीजिए ठीक है चलो पर मेरी अगर सलाह मानोगे तो पहला मेथड इसीलिए मैंने अच्छे से समझाया है एक ये वाला आ गया अपना टाइप जिसमें आपसे पूछता है कि इस तरह से एक्स दे देगा पावर वाला और ये दे देगा आपसे पूछेगा एल्सियम निकालो यहाँ पे हमसे कहा है देखो एक्स वाई जेड ये तीन चीजें दे दी है कह रहे भाग दे दो उसके एच से तो बताओ एल्सियम कितना आएगा मैंने बताया ना सबसे बड़ी वाली पावर पकड़ना है x में दो की पावर पांच है y में चार है इसमें तीन है सबसे बड़ा दो की घात पांच मिल गया हमें दो की घात पांच हमने ले लिया गुणा तीन की घात सबसे बड़ी कौन सी है तीन ही है तो तीन ले लिया पांच की घात सबसे बड़ी कौन सी है तीन है तो पांच की घात हमने ले लिया तीन ये हमारा एलसीएम आ गया अब इसको भाग देना है एच से तो मुझे बताओ एच कौन सा होगा जो तीनों में सबसे छोटी छोटी पावर पकड़ो तो यहाँ पे सबसे छोटी पावर आपकी तीन मिल गई तो दो की घात तीन हो गया यहाँ सबसे छोटी घात तीन की पावर दो हो गया यहाँ पांच की पावर दो हो गया ठीक है ना अब इसे सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा ठीक है तो देखो दो की घात तीन से पांच को काटोगे तो दो की घात दो बच जाएगा दो की घात दो से तीन घात काटोगे तो तीन केवल बच जाएगा इसको काटोगे तो केवल पांच बच जाएगा तो दो की घात दो चार हो गया गुणा तीन ए, तीन गुणा पांच तो चारती है बारह पच्चीस साठ आपका सिक्सटी जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा देख लीजिए कहां पे दे रखा है आपका ऑप्शन सी पे दे रखा है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है ना आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा ठीक है चलो आगे बढ़ चलते हैं एक ये और आप लोगों को विभाज्यता का नियम दे रखा है इसको होमवर्क दे दूं क्या इस टाइप का तो मैंने करा दिया चलो एक और करा देता हूं कह रहा है यदि नौ से संख्या इतना विभाज्य है तो एक्स का मान तो देखो ये कह रहा है पांच चार तीन दो एक्स सात नौ से भाग लग रही है तो मैंने आपसे बताया था कि सबको जोड़ करके नौ से भाग दे दो लेकिन आपको वो नहीं करना है पहले जो जिनका पेयर नौ बन रहा है उनको हटा दो तब तो तब आपको जोड़ना आसान लगने लगेगा ठीक है ना तो पांच चार नौ बन रहा है काट दिया मैंने दो और सात नौ बन रहा है बताओ तीन में मैं ऐसा क्या जोड़ू कि नौ से भाग हो जाए तो आप कहोगे कि सर अगला तीन के बाद नौ से भाग होने वाला नौ खुद ही होता है तो तीन में छह और जोड़ दो तो नौ से भाग हो जाएगा इसका मतलब आपको जो एक्स लेना था वो कितना लेना था छ लेना था आपका आंसर आ जाएगा ठीक है चलो अगले टॉपिक पे आ जाते हैं अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाता है एक चैप्टर दो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं ठीक है ना इसी तरीके से ऐसे ही स्टेप वाइज कर करके अभी देखना आपके लगभग दस बारह चैप्टर में आपको ऐसा रिवाइज करवा दूंगा आपने पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं देखा होगा ठीक है ना चलो अगला जो अपना दो चैप्टर है उसकी बात करूं तो पहला त्रिभुज है यानी कि ट्राइंगल इसको हम लोग रिवाइज करेंगे उसके बाद बहुफलक पॉलीहाइड्रन इसको समझेंगे ठीक है ना बा तो चलो पहले हम त्रिभुजों की बेसिक प्रॉपर्टी जान लेते हैं यहां पे देखिए त्रिभुज है पहले हम देखते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं त्रिभुजों के प्रकार जो डिसाइड होते हैं वो दो तरीके से होते हैं एक उनकी भुजाओं के हिसाब से एक कोणों के हिसाब से ठीक है ना तो पहले भुजाओं के हिसाब से देख ले अगर त्रिभुज की मान लो ये त्रिभुज है आपके सामने ए बी सी इसकी भुजा ए इसकी भुजा बी इसकी भुजा सी अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो इसको संभव भुज बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं ठीक है अगर दो भुजाएं बराबर हो एक ना बराबर हो तो इसको समय बोलते हैं ठीक है ना समु बाहू बोलते हैं सम दुई त्रिभुज बोलते हैं ठीक है ना आइसोसेलिस इंग्लिश में बोलते हैं ठीक है अच्छा अगर एक भी साइड बराबर ना हो तीनों अलग अलग साइड हो तो इसको बोलते हैं विषम बाहू या इसको बोलते हैं इंग्लिश में वो बोलते हैं क्या वर्ड होता है विषम बाहू देखो दोनों लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाता है केवल इंग्लिश पढ़ाने लगता हो तो वो याद रहता है केवल हिंदी पढ़ाने लगता हो तो वो बोलते हैं उसको लेटरल नहीं लेटरल तो नहीं बोलते हैं देखो अब दिमाग में ही नहीं आ रहा अभी बताऊंगा अगर आ जाएगा तो ठीक है विषम बाहू याद रखो ठीक है ना जिसकी कोई भुजा बराबर ना हमें नियम पता होने चाहिए कोणों पे आ जाते हैं ठीक है, है ना कोण की अगर बात करें कोण के हिसाब से अगर त्रिभुजों के कोण जैसे ये है नाइनटी से सारे कम है तो इसको न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं ठीक है, है ना एक्यूट एंगल एकंगल बोलते हैं ठीक है अगर त्रिभुजों के कोण नब्बे से बड़ा हो जाए इसको अधिक कोण बोलते हैं कौन सा कोई भी एक कोण अगर 90 से बड़ा हो गया जैसे इस तरीके से अगर बन गया त्रिभुज एक कोण देखोगे 90 से बड़ा हो जाएगा इसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज ठीक है ना यानी कि एंगल ट्रेंगल्ड ठीक है अगर कोई एक कोण नब्बे का हो जाए तो इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रेंगल यानी कि समकोण त्रिभुज ठीक है ना हाँ बल्कि इसको इसका नाम है स्केलन ट्रेंगल स्केलन देखो याद आ गया एकदम से ठीक है ना स्केलन ट्रेंगल बोलते हैं इसको सारी बुझाएं अलग अलग होती हैं तो ये त्रिभुजों के प्रकार समझ गए अच्छा अब देखो एक क्वेश्चन बनता है कि कोई त्रिभुज फॉर्म कब होता है त्रिभुजों के तीनों भुजाओं में रिलेशन होता है वो याद रखना अगर मान लो ये त्रिभुज आपके सामने है इसकी एक भुजा ए है बी है सी है तो अगर मैं बात करूं किन्हीं भी दो भुजाओं को जोड़ोगे तो वो हमेशा तीसरी से बड़ा होगा फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ले लिया पांच ले लिया ये तीन ले लिया ये चार ले लिया अब किसी भी दो को जोड़ो तीसरी से बड़ा होगा पांच चार नौ बड़ा हो रहा है पाँच तीन आठ चार से बड़ा हो रहा है चार तीन सात पाँच से बड़ा हो रहा है ठीक है ना तो ये नियम होता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सर्वदा तीसरी भुजा से बड़ा होगा कोई सी भी चाहे बी प्लस सी ग्रेटर कर लो किसी को भी कर लो इसका अपोजिट भी होता है दो भुजाओं का अंतर करोगे तो वो तीसरी से छोटी होनी चाहिए जैसे पांच में से चार गया एक, एक जो है तीन से छोटा आ रहा है तो बिल्कुल रूल सही है अब अगर पांच में से तीन गया दो दो जो है चार से चार से छोटा आ रहा है ये भी रियम सही है तो ये भी आपको याद रखना है किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं में रिलेशन क्या होता है दो भुजाओं को जोड़ोगे तो हमेशा तीसरी से बड़ी होगी और दो भुजाओं का अंतर करोगे तो हमेशा तीसरी से छोटी होगी इतनी बात याद रखोगे चलो अब एक टॉपिक आपसे पूछता है बार बार कॉन्ग्रोवेंसी से सर्वांग समता से देखो सर्वांग समता चेक करने के लिए आपको पांच नियम से सर्वंग समता चेक करनी होती है ठीक है ना दो त्रिभुज आपको दे देगा ए और बी इसमें क्या होगा सर्वांगसम का मतलब होता है ये देखो जैसे ये मेरा हाथ है एक ये हाथ है अगर ये पूरी तरह से ओवरलैप कर जाए ये उंगली इसके बराबर है ये वाली उंगली इसके बराबर है अंगूठा अंगूठे के बराबर है और पूरा ढक ले रहा है तो इसको बोलते हैं सर्व अंग सम एक होता है सिमिलर सिमिलर में केवल शक्लें सेम होती है साइज नहीं सेम होता ठीक है चलो यहां पे देखो अगर मैं इसको करना चाहूं कंग्रोवेंसी प्रूफ करना चाहूं पहला नियम होता है किन्हीं भी दो त्रिभुजों में एक साइड ये साइड मिल जाए कोई एक इनके बीच का कोण मिल जाए और एक और साइड वही चीजें इसके साथ हो जाए तो ये दोनों त्रिभुज अपने आप में बोले जाते हैं सर्वांग सम कैसे एंगल साइड साइड एंगल साइड ठीक है ना दूसरा रूल होता है या तो दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर मिल जाए कोई भी तीन चीज मिल जाए इनमें इनमें से या दो कोण और उनके बीच की साइड मिल जाए या दो कोण या एक साइड मिल जाए कोई से भी तो ये सारे नियम आपको पता होने चाहिए ठीक है ना जिसको इसको डिटेल में पढ़ना है तो सर्वांगसमता नाम से चैप्टर ही मैंने पूरा पढ़ा रखा है आप लोग से कहूंगा कि आप जाकर के देख लो सबसे इंपॉर्टेंट आता है आर आरएचएस में क्या होता है दो त्रिभुज आरएचएस से तब जाके सर्वांगसम होते हैं जब वो दोनों 90 डिग्री पे हो मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हो और उनके हाइपोटेनियस दोनों के बराबर हो ठीक है ना एक तो नाइट एंगल मिल जाए एक हाइपोटेनियस मिल जाए एक कोई सी भी साइड मिल जाए चाहे ये वाली मिल जाए चाहे ये वाली कोई सी भी साइड मिल जाए लेकिन हाइपोटेनियस कंपलसरी होता है ठीक है ना तो अभी क्वेश्चन लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये बात समझ में आ गया सर्वांग समता रूल ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे अब देखिए जो एस्केलेन्ट एंगल होता है विषम बाहू अब देखो बार बार नाम एकदम याद रहेगा मुझे विषम बाहू त्रिभुज जो होता है उसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें वैसे तो अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो कैसे निकलता है ये बहुत बेसिक रूल होता है एक बटा दो गुड़े आधार गुड़ा ऊंचाई होता है ये त्रिभुजों का क्षेत्रफल होता है ठीक है ना संबाहू त्रिभुज का भी होता है रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर करडी में तीन बटा चार भूजा का स्क्वायर ये सम्बाहू त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है देखो मैं हर जगह लिखूंगा नहीं क्योंकि पेज में जगह कम होती गुचुड़ मुचुड़ हो जाता है तो जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना उसको आप नोट कर लेना ठीक है ये आपके बहुत काम आएंगे ये इक्विलेटरल का हो गया ये नॉर्मल राइट एंगल ट्रैंगल का हो गया लेकिन जब ऐसी सिचुएशन बनती है कि स्केलेन ट्रैंगल है और आपको पता चले कि एक भी साइड बराबर नहीं है सब अलग अलग है ये अलग ये अलग ये अलग ठीक है ना तो ऐसी सिचुएशन में हेरोन्स फार्मूला इस्तेमाल होता है हेरोन्स फार्मूला से क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले त्रिभुज का परिमाप का आधा निकालना पड़ता है मतलब सेमी पैरीमीटर जिसको कि एस से डिनोट करते हैं तो सेमी पैरीमीटर क्या होता है तीनों भुजाओं का योग करो दो से भाग दे दो एस इजक्ल टू ए प्लस ब्लस ब्लस टू हो गया ठीक है ना तो जो ये एस निकल के आया सेमी पैरीमीटर इससे एरिया निकाला जाता है कैसे अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ये त्रिभुज के एरिया निकालने का फार्मूला है मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको नई नहीं, नहीं लग रही होंगी आप लोगों ने स्कूल टाइम या कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा और नहीं पढ़े हैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि चैप्टर जाके पढ़ो डिटेल में तब रिविजन अच्छे से कर पाओगे ठीक है ना ये मैं रिविजन के पर्पज से पूरा समराइज कर रहा हूँ ठीक है चलो यहां तक हो गया अब देखो त्रिभुजों में कुछ ये क्षेत्रफल तो बता ही दिया था मैंने त्रिभुजों में कुछ और बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो जान लेते हैं किसी त्रिभुज के बाह्य कोण जो होता है थीटा वो सुदूर अंत कोणों के योग के बराबर होता है जैसे ये थीटा बाह्य कोण हो गया तो थीटा बराबर हो जाएगा ए और बी के सम, सम के बराबर हो जाएगा मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ आप लोग तब तक देखिए ठीक है, है? <laughs> ओके ठीक है एक बेसिक रूल किसी भी त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है 180 होता है ये भी आपको पता होगा बहुत बेसिक रूल है अब इसी में एक चैप्टर और होता है पॉलीहाइड्रन ये आपका रहा बहुफलक ठीक है ना बहुफलक इसको भी समझ लेते हैं ये क्या है तो देखिए बहुफलक में क्या होता है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं देखिए बहुफलक में एक चीज तो हमें ये पता चलना चाहिए ये वर्टेक्स होता है जहां पर साइड्स जाके मिलती हैं इन्हें यहाँ क्या बोलते हैं शीर्ष बोला जाता है ठीक है इसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं और ये जो भुजाएं होती हैं भुजाओं को एज को किनारों को ई से डिनोट करते हैं और ये जो फलक फलक का मतलब होता है बाहर का जो जो एरिया है रुको मैं एक अपने पास से कोई डब्बा लेके समझाता हूँ आपको थोड़ा कोशिश करता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा टाइम तक याद रहे जैसे ये बॉक्स है ठीक है ना तो ये जो ये जो फेस दिख रहा है इसको फलक बोलते हैं ये जो कॉर्नर है इसको बोलते हैं क्या शीर्ष बोलते हैं ठीक है थीके? ये जो किनारा है इसे एज बोलते हैं ठीक है थीके? तो ये आपको समझ आ गया होगा ठीक है ना एक सेकेंड तो ये हो गया अब एक यूलर्स फार्मूला होता है यूलर्स फार्मूला क्या कहता है कि इनकी भुजा और वर्टेक्स और फलक के बीच एक संबंध होता है वो क्या होता है फलक प्लस वर्टेक्स बराबर होता है एज प्लस टू तो देखो ये अगर याद नहीं कर पाना तो एक आपको कहानी सुनाता हूँ उससे याद हो जाएगा कैसे कि एक घर में तीन भाई थे ठीक है ना मान लो तीन भाई थे दो भाई थे एक उनकी भौजाई थी बड़ी भौजाई थी मतलब भाभी थी और उनका एक बेटा था दो साल का ये याद रखो ठीक है ना तो क्या हुआ एफ और वी दोनों भाई थे उनकी एक बड़ी भाभी थी ई e, और उनका एक बच्चा था दो साल का तो तीनों घर में आराम से रहते थे तीनों चारों लोग एक बार क्या हुआ झगड़ा हो गया तो उनकी जो भाभी थी भाभी कौन थी ई e थी ई e अपने दो साल के बच्चे को लेकर के घर के राइट साइड रहने लग गई और दोनों जो थे भाई एफ और वी दोनों एक साथ रहने लग गए तो देखिए यही है भाई दोनों एफ और वी एक साथ रह रहे हैं लेफ्ट साइड में भाभी जो है अपने दो साल के बच्चे के साथ राइट में रही है तो ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा और ये इतना इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए कि हर साल ऐसा कोई सेट नहीं है जिसमें से यहां से क्वेश्चन ना बने हो ठीक है ना तो ये आपको कैसे भी करके याद रखना है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ अच्छा ये तो हो गया अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए ठीक है ना तो चले चलो अब यहाँ पे देखिए आपसे कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी नब्बे डिग्री है तो मैं बना देता हूं ये रहा आपका एक त्रिभुज ए बी सी ये कोण बी जो है आपका कितना है नब्बे डिग्री ये आपका आ गया 90 डिग्री ए सी कह रहा है एक सौ उनहत्तर तो ये आ गया वन सिक्सटी नाइन और बी कह रहा है कि 120 है बी सी कहाँ भाई बी ये रहा है 120 है तो आपसे ए बी ए वाली साइड पूछ रहा है तो आप लोगों ने स्कूल टाइम में एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा ठीक है ना ये हाइपोटेनियस है ये बेस है ये नाइन्टी है ये हाइट है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है बेस के स्क्वायर का और साथ ही साथ प्लस हाइपोटे परपेंडिकुलर का स्क्वायर ठीक है ना ये पी से डिनोट कर देता हूँ ये रहा है. े फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बेसिक वो लगा करके आप यहां निकाल सकते हो तो अगर मुझे ये मान लो परपेंडिकुलर निकालना है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इसका मतलब एक सौ उनहत्तर वन सिक्स नाइन का स्क्वायर माइनस वन ट्वेंटी का स्क्वायर ये अगर मैं कर दूं तो ये मुझे निकल करके आ जाएगा ठीक है ना आ जाएगा नहीं आ जाएगा तो आप कहोगे कि सर बिल्कुल आ जाएगा ठीक है तो लेकिन मैं अब क्या करूं मैं इसका स्क्वायर करूँ नहीं आप लोगों को एक आइडेंटिटी पता होगी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी इसको 169 इनको क्या करेंगे एक बार मैं जोड़ देता हूं प्लस वन और एक बार इनको आपस में सब कर देता हूं वन सिक्स नाइन माइनस वन ट्वेंटी ठीक है ना एक सेकेंड ये कर दिया अब इनको हम क्या करेंगे इनको हम सॉल्व कर लेंगे बताओ एक में 120 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा लास्ट में 9 आ जाएगा और कितना आ जाएगा दो आठ हो जाएगा और कितना आ जाएगा एक एक दो टू एटी नाइन आ जाएगा इन टू ये कितना हो जाएगा बताइए नौ में से जीरो गया तो नौ आ गया छह में से दो गया तो चार आ गया एक में से एक गया जीरो इतना आ गया ये आ गया कि इसका पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई मतलब जो हमें ए भी निकालना है उसका स्क्वायर की वैल्यू आ गई ठीक है ना तो अब देखिए अब आपको क्या करना है आपको तो पी चाहिए था तो इनका रूट ले लो तो पी निकल के आ जाएगा ना अगर हम यहाँ से यह हटा दें तो रूट लोगे उनचास का रूट तो सीधा सात आ जाएगा गुणा दो सौ नवासी की रूट होता है तो अगर याद है तो ठीक है नहीं तो ये सत्रह का होता है ठीक है ना तो सत्रह आ गया इसका तो सात उनचास का नौ सात एकम एक सात सात सतचास का नौ हासिल लगा चार सात एकम एक सात चार ग्यारह तो एक सौ उन्नीस आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ठीक है ना देखो अगर नहीं याद है तो क्या करते हैं आप वो भी अगर मैं बताना चाहूं कुछ आपको हिंट देना चाहूं तो, तो आप एक काम करना चारों ऑप्शन में ना सात से भाग करके देख लेना किसी का चारों ऑप्शन को क्योंकि एक तो आपको आता है ना उनचास तो याद ही रहेगा मेरे भाई इतना भी नहीं याद है क्या उनचास का साथ आ जाएगा ना अब इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो सात का गुडन होगा तो देख लो सात से भाग करके कि पूरी तरह सात कौन किस ऑप्शन को डिवाइड कर रहा है वो आपका आंसर आ जाएगा इसको सात से भाग, कर, भाग करके देखो ग्यारह उन्नीस को तो सात एक कन्नम सात बच गया चार उनचास सात सत्य उनचास ये कट रहा था तो यही आपका आंसर हो जाता इसको काटोगे साथ एक कम साथ, हो सकता है और भी ऑप्शन कटे लेकिन आप जैसे ही अगर मान लो चारों ऑप्शन कट रहे हैं तो क्या दिमाग लगाओगे जैसे ये सत्रह आ गया सत्रह को सत्रह में गुड़ा करके देख लो कि क्या आपके पास दो आ रहा है तो भी आप कर पाओगे तो कई सारे मेथड होते हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो ठीक है ना मैंने कई सारे गुरुजनों को देखा है यूट्यूब पे ही कि इसका पूरा स्क्वायर बोल रहे हैं बच्चों को इसका पूरा स्क्वायर कर लो और 120 का पूरा स्क्वायर कर लो फिर उनका डिफरेंस निकाल लो फिर उनका रूट निकाल लो फिर तो आप लोग का हो गया कल्याण

दूसरा त्रिभुज ये रहा नाम दे देते हैं इनका क्या-क्या है ए बी सी तो ये ए हो गया ये बी हो गया ये सी हो गया दूसरा नाम क्या है डी ई एफ ये डी हो गया ये ई e हो गया ये एफ हो गया ठीक है ना आपके सामने क्या कह रहे हैं कि अगर ए बी बराबर है डी ई e के ए सी बराबर है ई e, एफ के बी बी सी बराबर है डी एफ के तो पराय निम्न में से कौन सा सही है कौन से त्रिभुज सर्वांगसम होंगे मैं आपको बताऊं आपको ना एक साइड देखोगे तो एबीसी 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 दिया है ठीक है ना तो जो साइड बराबर है उसी को पकड़ो जैसे ए बी साइड बराबर है किसके डी ई e के तो इस वाले ऑप्शन में देखो क्या यहां पे पहले पहला दूसरा पहला दूसरा क्या डी ई e है नहीं है तो ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता इसमें जरा ढूंढो ए बी बराबर है किसके डी ई e के पहला दूसरा डी ई e है हाँ ये आंसर भी हो सकता है फिर भी चेक करेंगे अब देखते हैं ए सी किसके बराबर है ई एफ के तो ए पहला और तीसरा और इसका पहला तीसरा देखो क्या डी है यहाँ पे डी है यहाँ पे जबकि ये ई होना चाहिए था तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया इसको जरा चेक करो पहला दूसरा ए बी है यहाँ पे डी ई है क्या ई डी या डी ई एक ही बात है तो ये है सही बात है कोई दिक्कत नहीं है ये हो सकता है दूसरा तीसरा चेक करते हैं बी सी को चेक करते हैं डी एफ से बी सी देखिए डी एफ के बराबर है हाँ है सेटिस्फाई हो रहा है अब पहला तीसरा चेक करते हैं ए सी को चेक करिए ई एफ से है क्या ए सी ई एफ बराबर दे रखा है तो यहाँ तीनों सेटिस्फाई हो रहा है तो यही आपका आंसर हो जाएगा तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं ठीक है ना तो एक ऑप्शन मिल गया तो बाकी हो गया नहीं तो इस तरीके से कर सकते हैं ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ठीक है ना तो ये आप समझ गए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ थोड़ा मैं स्लो बोलूंगा क्योंकि लंबा टाइम तक तो पढ़ाना है इसलिए अदरवाइज गला दर्द करने लग जाता है ठीक है ना अगला देखिए तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कोण सी सत्तर डिग्री है ठीक है तो मैं बना देता हूं पहले ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कोण सी आपको दे रखा है सत्तर ये कोण आपको दे रखा है सेवेंटी डिग्री ठीक है ना सत्तर डिग्री है कह रही यदि भूजा बी बी सी पे पर बिंदु पी है बी सी नीचे इस पर कोई बिंदु हमने पी ले लिया पर कोई बिंदु पी है बिंदु इस प्रकार है कि ए पी बराबर ए सी है मतलब ए को पी से मिला दिया तो ये बराबर हो गया किसके ए सी के ये दोनों बराबर है ठीक है तथा कोण बी ए पी तीस है बी ए पी ये इतना सा इतना सा इतू सा जो कोण है ये तीस डिग्री है ये तीस हो गया तो कह रहा है कोण बी बता दो कितना हो गया बहुत आसान हो गया आप तो ये वाला कोण आपसे पूछा है कोण बी बताओ कितना होगा चलो मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं दिमाग लगाएंगे देखो मैं सोल्यूशन नहीं करूंगा फिगर में ही आपको बता दूंगा भले ही फिगर को मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको पूरा दिखे रुको क्योंकि आप जैसा मैं यहां पर करूंगा आप याद रखना पेपर में आपको ऐसे ही करना है ये नहीं कि लगे पड़े हो सोल्यूशन करने पर सोल्यूशन ज्यादा करने से भी नुकसान होता है आलसी बनो थोड़ा सोल्यूशन के कॉल कैलकुलशन के मामले में शॉर्ट से शॉर्ट मेथड सीखो देखो आपको बी चाहिए इसने कहा कि ये दोनों साइड आपस में बराबर है तो आपको मैंने बताया था किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर है तो इनके अपोजिट कोण भी बराबर होते हैं तो इसके अपोजिट सत्तर है तो इसके अपोजिट ये भी सत्तर हो गया इतनी सी बात समझ में आ गई और मैंने आपको एक ये, ये भी सिखाया हुआ है कि अगर कोई लाइन है इस पर दो कोण बन रहे हैं तो दोनों का योग लीनियर पेयर मतलब कि एक होता है तो जब ये सत्तर है आधा तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा इन दोनों का योग एक होना चाहिए सत्तर में ऐसा क्या जोड़े कि एक आ जाए तो आप कहोगे कि सर 110 जोड़ दो जोड़ो तो ये 110 आ जाएगा लिखना पड़ेगा क्या 70 प्लस 110 करोगे तभी तो 180 होता है ना जीरो और 80, 70 में जोड़ोगे तो 180 आ जाएगा 110 ये हो गया अब इस वाले त्रिभुज में ए पी बी में एंगल सम प्रॉपर्टी से इसका कोण निकाल लीजिए तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए आप कहोगे कि सर 180 होना चाहिए तो 110 सौ दस प्लस तीस एक तो ये दोनों मिल गए बचा हुआ 40 का होगा तो आपका 40 आंसर आ जाएगा ठीक है ना तो ज़्यादा कैलकुलेशन मत करना मेरे भाई मेरे बहन ठीक है ना आप क्या करोगे सिंपल सा फिगर बनाओगे वहीं घुचुड़ मुचुड़ करके ना अपने आंसर पर पहुंच जाना क्योंकि पेपर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कहाँ पे आपको पता होगा एग्जाम हॉल में टाइम मैनेज को लेके ठीक है ना अच्छा अब एक पॉलीहाइड्रेंट से आ गया अभी जो फार्मूला आपको भाभी और वो वाला बताया था ठीक है ना उस पर बेस्ड कह रहे हैं किसी बहुफलक के फलकों किनारों और शीर्षों की संख्याएं क्रमशः सात पंद्रह एक्स है तो तीन एक्स प्लस छः का मान बताओ तो देखो ध्यान से देखो पहले फलक है तो ये एफ की वैल्यू दे रखा है फिर किनारा ये ई e की वैल्यू दे रखा है आपको एक्स जो है ये वी की वैल्यू है तो आपको फार्मूला पता है ना कि एफ एक भाई था उसका भाई था वी और भाभी ई थी दो बच्चों के साथ राइट साइड में ये हो गया इसी को सेटिस्फाई करा दो एक्स निकाल लो एफ की जगह मैंने सात रख दिया प्लस और देखो पेपर में इतना भी मत लिखना सीधा वैल्यू रखना यहाँ पे पंद्रह में ऐसा जोड़ देते हैं दो सत्रह और ये सात था सात में ऐसा क्या जोड़े कि आपका जो है आंसर आ जाए कितने के सत्रह बन जाए सात में क्या कि सत्रह बन जाए तो आप कहोगे कि दस तो दस आ गया एक्स की वैल्यू दस में तीन का गुड़ा करोगे तीस तीस में छह छोड़ोगे छत्तीस आपका छत्तीस आंसर आ जाएगा ठीक है ना तो ऐसे कर लेना मैं लिख के दिखा देता हूं पर पेपर के लिए बता रहा हूं पेपर में मत लिखना आप लोग तो ये आ गया वी की वैल्यू कितनी है कितना गया वी वी है एकस, तो इसको एक्स ले लिया बराबर ई की वैल्यू पंद्रह प्लस दो तो मुझे बताओ ये सत्रह बन रहा है राइट साइड में तो लेफ्ट में सत्रह बनाने के लिए एक्स को कितना लेना पड़ेगा आप कहोगे कि सर दस लेना पड़ेगा तो एक्स निकल के आ गया दस और आपसे इतने की वैल्यू पूछा था तीन एक्स प्लस छः तो तीन गुणा दस प्लस छ तीस दस छत्तीस आ गया छत्तीस आपका आंसर बन गया ठीक है ना तो आप लोगों को पेन नहीं चलाना है इस वाले क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट आंसर करना है पर मुझे सिखाना है आपको इसलिए मैं चला रहा हूँ पेन ठीक है ना चलो ये देखिए एक क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ये भी उसी से है तो थोड़ा अलग था इसलिए मैं बता दे रहा हूं यदि एफ वी और ई e, क्रमशः एक पंचभुजाकार आधार के प्रिज्म के फलकों शीर्षों और किनारों की संख्याएं हैं, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है नेगेटिव पूछा है आपसे सबसे पहले तो पंचभुजाकार प्रिज्म बनाओ प्रिज्म क्या होता है प्रिज्म का जैसा बेस होता है वैसा ही टॉप होता है नीचे अगर बेस को पंचभुजाकार आप बना रहे हो पंचभुज बनता है कैसे रुक जाओ एक सेकेंड भुजा ये बनेगा ठीक है ना ये ये पंचभुज बन गया तो आपको ऊपर भी पंचभुज ही बनाना होता है ठीक है ना ये भी ऊपर भी पंचभुज बना दीजिए ठीक है ना अब इसके समानांतर जो प्रिज्म बनाना है तो पास पास वाले को और दूर दूर वाले के शीर्ष को मिला दो इससे इसको मिला दीजिए इससे आपको इससे मिला दो ये इससे मिला दो इसको इससे मिला दो इसको इससे मिला दो ये थ्री में सोचो ये बन गया ठीक है ना तो अब इसमें सब कुछ पता कर लो फलक कितने होंगे मुझे बताओ फलक का मतलब एक फलक ऊपर एक नीचे आजू बाजू में पांच टोटल सात फलक हो गए है हाँ ना एक दो और पांच दो सात हो गए वर्टेक्स कितना हो गया पांच गोले तो ऊपर हो गए पांच पांच नीचे दस तो दस वर्टेक्स हो गए किनारे कितने हो गए मुझे बताओ किनारे कितने हो जाएंगे पांच पांच दस पांच पंद्रह पंद्रह किनारे हो गए इसके ऊपर पांच नीचे पांच आए आजू बाजू पांच पंद्रह किनारे हो गए ठीक है ना अब आप क्या करोगे इन सारी वैल्यू को इसमें सेटिस्फाई करके देखो कि इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा है पहले में अगर मैं देखूं एफ की जगह मैंने रखा सात और ई e की जगह पंद्रह पंद्रह और सात कितना हो गया पंद्रह और पांच बीस दो बाईसफाई हो गया और ये रहा आपका वी में से दस गया ये सेटिस्फाई हो रहा था यह आंसर नहीं होगा सी को चेक कर लेते हैं दो गुणा वी मतलब दो दाह में ये बीस हो गया प्लस एफ कितना है सात माइनस ई कितना है पंद्रह बराबर क्या दस आ रहा है तो बीस और सात कितना आएगा बीस सत्ताईस में से पंद्रह गया सत्ताईस में से सात चला गया तो आपका सत्ताईस में से पंद्रह घटा के देखो सात में से पांच गया दो लास्ट में यूनिट डिजिट दो आना चाहिए जबकि यहां दस से बारह आ रहा है तो ये नहीं सेटिस्फाई हो रहा है यही आपका आंसर हो जाएगा यही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है बाकी आप चेक कर सकते हैं कौन सा कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है अब तो आसान हो गया कॉन्सेप्ट पता होने के बाद चलो अगला क्वेश्चन देखिए आपके उसी नियम पे आ गया मैंने आपको सिखा रखा था कोई भी त्रिभुज के दो नियम होते हैं दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ी तीसरी दो भुजाओं का अंतर तीसरे से छोटी ये कह रहे हैं कि किसी त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी बराबर बारह है और बी सी बराबर पंद्रह है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताओ इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है तो देखो ए बी बराबर बारह है बी सी बराबर आपका पंद्रह है तो हमें पता है कि जो हमारा ए बी बी सी तो आपका ए सी तीसरी भुजा जो होगी अगर ये त्रिभुज है ए बी सी तीन भुजाएं होती हैं तो ए सी जो होगा ये क्या होगा छोटा होगा किससे इन दोनों के योग से 12 और 15 के योग से तो छोटा होगा तो 12 और 15 को जोड़ोगे तो ये 27 आ जाता है इससे छोटा होगा और लेकिन ये बड़ा होगा इन दोनों के अंतर से 15 और 12 का अंतर तीन से बड़ा होगा ये रूल होता है ठीक है ना तो यहाँ पे पहले पे ही दे रखा है तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चलो एक टॉपिक दो चैप्टर और आपके कंप्लीट होते हुए ठीक है ना अब हम आ जाते हैं अपने अगले चैप्टर पर अगला जो आपका चैप्टर है वो है स्क्वायर रूट और घातांक और करड़ी वाले जो पावर वाला एक चैप्टर होता है उसको समझेंगे ठीक है तो इसके थ्योरी को अभी थोड़ा समझाता हूं थोड़ा सा और पानी पी लू हल्का सा देखो देखो रूट निकालते टाइम आपको एक बात ध्यान रखना है बच्चों की तरह रूट निकालने मत लग जाना कि लॉन्ग डिवीजन मेथड भाग विधि लगा लगा के आप रूट निकाल लो नहीं कोशिश किया करो रूट के अंदर ही फैक्टर करने के लिए जैसे मैं अगर आपके सामने ये आ जाता है आठ गुणा दो सौ अट्ठासी और आपसे उसने कहा कि रूट निकालना है इसका तो आप क्या करोगे ना चार में देखो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा छुपा हुआ है तो सॉरी आठ में आठ के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर आपका चार है तो चार गुणा दो इसको लिख सकते हो आप बिल्कुल लिख सकते हो इसका मतलब दो तो बाहर आ जाएगा आराम से आ जाएगा इस चार का तो स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा अब ये दो अकेला बचा है अब दो अकेला बचा है इसका मतलब इसके अंदर से दो मिलेगा तो इसको दो के फैक्टर में तोड़ देता हूं मैं तो दो लिखा तो दो गुणा इसको कितना लिख सकते हैं एक सौ चवालीस लिख सकते हैं आप कहोगे कि सर मुझे कैसे पता चले दो, दो गुणा एक सौ चवालीस लिखे आप ना क्या करो दो लिख लो दो से इसको भाग दो दो एक कम दो चौके आठ दो चौके आठ भाग दे दिया ना तो ये आ गया आपके सामने समझ रहे हो ना ठीक है अब देखो इसका पेयर मिल गया इसका चार का रूट निकालोगे दो दो पेयर में से एक बाहर दो आ गया एक सौ चौवालीस को सबको याद होता है ये बारह तो कभी भी कोशिश किया करो ना फैक्टर कर करके रूट निकालने की ठीक है ये देखिए इसी तरीके से क्यूब रूट का भी होता है तो आपको ना पकड़ना पड़ता है कौन सा क्यूब रूट है तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया चलो लेकिन मेरा फर्ज है आप लोगों को बताने का भी तो मैं आपको भाग विधि और जो लॉन्ग विधि होती है वो भी बता देता हूँ ठीक है ना देखो भाग विधि से कैसे निकाला जाता है वर्गमूल वो बता देता हूँ जैसे अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ पाँच सौ उन्तीस तो भाग विधि क्या कहती है वैसे इसका मैंने लिख दिया था कि देखो यहाँ समझाऊंगा नहीं मैं सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाए ये मैं इसलिए लिखा था कि अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो मैं आपको यहीं से बता दूंगा देखो सबसे पहले लास्ट से पेयर बनाओ एक बच गया ठीक है ना तो इसके पास में स्क्वायर परफेक्ट ढूंढो तो दो दूना चार होता है तो ये आप कर सकते हो दो दूनी चार हो गया तो यहाँ बच्चा एक और इसको उनतीस को पूरा पेयर के साथ उतार लो अब इसी में इसी को खुद को जोड़ दो तो दो दो चार हो गया अब इसके बगल में क्या करना होता है कौन सी ऐसी संख्या रख के गुणा करें कि इसको पूरा काट दे तो एक करोगे तो एक एक कम एक एक चौकके चार तो नहीं कटेगा तो यूनिट यूनिट डिजिट देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ अगर तीन ले लें तो तीन तरीके नौ होता है और तीन चौकके बारह होता है तो इसका मतलब ये तेईस का जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट है ठीक है ना तो इसका स्क्वायर रूट तेईस आ जाएगा ये तो आपको हमने सिखा दिया किससे भाग विधि से तो आपको ये भी पता रहना चाहिए ठीक है ना बाकी फैक्टर जो जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो फैक्टर से हो जाएंगे ठीक है अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ तीन का एक दूसरा मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए कुछ नहीं करना होता है इसको इस तरह से देखो सबसे पहले दो से काटो फिर तीन से काटो देखो मैंने काट रखा है आपको फिर मेहनत क्या करवा रहे हो सिंपल सी चीज है तो दो एक कम दो दो फिर एक बचा बारह दो छा दो तो इस तरह से कटेगा आपका जब एक आ जाए तो छोड़ दो अब दो दो का पेयर ले लो पेयर में से एक उठा लो दो बार तीन है तो एक उठा लो अपने पास गुणा फिर दो बार तीन है तो एक तीन उठा लो दो बार दो है तो एक तीन उठा एक दो उठा लो इनको गुणा कर दो यही रूट आ जाता है तीन, तीन नौ दुनी अठारह यही था ना एक सेकेंड इनको गुणा करना था ना तीन तरीके नौ नौ दुनी अठारह तो ये अठारह आ जाएगा इसका क्या हो जाएगा ये क्यों लिखा है अट्ठारह आपका क्या आ जाएगा अठारह का वर्गमूल सॉरी इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा अठारह आ जाएगा कैलकुलेटर से भी चेक कर लेना ठीक है ना तो एक तो ये मेथड हो गया बाकी आपको जो मैं कराऊंगा क्वेश्चन जिससे सॉल्व करूंगा आपको बस उसी को ध्यान देना ये आपको बस पता रहना चाहिए मान लो कि एग्जाम में आपको वो चीजें नहीं याद आ रही है प्रैक्टिस ज्यादा नहीं है तो आप, आपको मेथड बेसिक चीजें पता होनी चाहिए अगला चैप्टर जो है आपका घातांक और करड़ी इसमें कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं वो जान लो दुनिया में किसी की भी पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू वन होती है एक बात तो ये याद रखना है ठीक है ना अच्छा अगर x की पावर a है इंटू वाई की पावर भी a है तो x इंटू वाई पूरे की पावर आप a लिख सकते हो एक ये फार्मूला याद रखो इधर देखो अगर ये आधार समान है और वो गुणा हो रहे हैं तो घाते जुड़ जाती हैं तो x की पावर a प्लस बी हो जाता है अगर आधार समान है तो घाते घट जाती हैं तो x की पावर इसको जैसे मान लो एक्स की पावर ए है बटा एक्स की पावर बी है तो आई होप ये सब पता होगा आपको कि यहाँ पे आप लिख दोगे एक्स की पावर ए माइनस बी ये घट जाते हैं ठीक है ना इसी तरीके से एक बटा एक्स की पावर ए है तो ये जब देखो कोई चीज़ पावर नीचे से ऊपर जाती है तो माइनस लग जाता है या ऊपर से नीचे आएगी तो भी चेंज हो जाता है साइन ठीक है ना जैसे अगर मैं तीन लिखा हूं तीन को मैं एक बटा तीन लिखूंगा तो पावर माइनस वन चढ़ानी पड़ेगी ये बस बात पता होनी चाहिए ठीक है चलो इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग अब मैं आपको एक आधी क्वेश्चन और सॉल्व कराता हूं ये एक देखिए अल्जेब्रा का क्वेश्चन आ गया है वैसे तो मैं यही समझा देता हूं मैं अल्जेब्रा भी बोला हूं तो अल्जेब्रा भी पढ़ाना ही आप लोगों को देखो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है यहां पे आपसे कह रहा है कि क्या रखा है पी दे रखा है इतना Q दे दे रखा रखा है है इतना है इतना ठीक है तो कह रहा है P -Q में प्लस कर दो R तो कितना आएगा ये चार ऑप्शन है तो देखो मैं आपको सजेशन दूंगा कि ऐसे प्रश्नों में ना आप ऑप्शन की मदद मदद लिया करो कि आप सबको जोड़ने मत बैठ जाओ पहले इन दोनों का अंतर करो किसको पी और क्यू को सबका अंतर मत करो यहां पे जरा देखो

माइनस सात एक्स वाई इतना आ गया ना ठीक है अब क्या बोले हैं कि आर को जोड़ दो तो आर में एक्स वाई वाली टर्म जोड़ दो प्लस चार एक्स वाई कर दो चार एक्स वाई अब इनको आप सॉल्व कर दो सात में से चार गया माइनस तीन एक्स वाई तो आपके आंसर में माइनस तीन एक्स वाई आना चाहिए तो देखिए यहां पर है यहां पर है यहां ये यह दोनों ऑप्शन आपके कट गए ये कभी आंसर हो ही नहीं सकते ठीक है ना तो इन दोनों में से एक है अब क्या करेंगे एक्स वाले को मत चेक करो वाई के कोफिशिएंट चेक करो तो चलो वाई को काम करते हैं इसमें से इसको घटाओ तो यहां पे माइनस आठ वाई यहां पे दस वाई तो माइनस आठ वाई स्क्वायर में से प्लस कर घटाना है ना ये माइनस करोगे क्योंकि यहां है ना ये रहा घटाइए तो दस वाई स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस अट्ठारह वाई स्क्वायर अब इसमें आर जोड़ना है तो वाई स्क्वायर वाली टर्म को जोड़ो प्लस आठ कर दो आठ वाई स्क्वायर तो माइनस अट्ठारह में से आठ वाई स्क्वायर अगर चला गया तो माइनस दस वाई स्क्वायर बचाना तो इसका मतलब जो वाई वाली टर्म होनी चाहिए माइनस दस वाई होनी चाहिए ये प्लस है ये ऑप्शन कट गया एक ही ऑप्शन बचा आपका आंसर हो गया तो आपके सामने एक ये अपॉर्चुनिटी है या फिर एक के साथ एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर वाले टर्म लिखो वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर वाली टर्म लिखो एक्स वाई के साथ एक्स वाई वाली टर्म लिखो फिर पहले जोड़ो फिर घटाओ फिर उनमें देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है कुछ लोगों ने यह भी पढ़ाया है आपकी मर्जी है आपको जो सही लगता है वो कर सकते हो वो भी आप कर सकते हैं लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऑप्शन से जाओ ठीक है ना चलो ये आपके सामने आ गया ये रूट आ गया ठीक है ना तो यहां पे भी आपको थोड़ा अपना दिमाग यूज करना है ये लग मत जाना कि स्क्वायर रूट निकालने कैसे निकाले ठीक है ना देखो क्या करोगे मैं बताता हूं एक तो ये दिख रहा है एक सौ चौवालीस है तो इसको तो सोचना ही नहीं बारह का होता है ये तो सबको पता होता है इसमें डूडो मैं आपको यहां पे ना डिविजिबिलिटी रूल अ, अप्लाई करवाऊंगा देखो ये किससे डिवाइड हो रहा है तो ये देखिए क्या तीन से हो रहा है क्या तो सात छः तेरह आठ छः, चौदह चौदह एक पंद्रह पंद्रह छः, पंद्रह पाँच बीस इक्कीस इक्कीस तीन से कटता है तो यह संख्या तीन से कटेगी तो मैं इसको तीन के फैक्टर में लिखता हूं तीन के गुड़न फन में तीन गुड़ा तीन से भाग करो तीन दूनी छः एक बचा सोलह हो गया तीन पचे पंद्रह एक बचा अठारह तीन छः का अठारह यह आ गया अगला रूट ले लो ये भी देखो क्या तीन से कट रहा है बिल्कुल कट रहा है तीन से तीन दो पाँच देखो इसको भी ऐसे इनलिमिट कर सकते हो तीन कट गया छह कट गया सात दो नौ कट गया तीन से कट रहा है <स्थाँगा> तो तीन से भाग देकर के इसको लिखना चाहो तो क्या लिखोगे तीन गुड़ा एक कम तीन एक कम तीन बारह बच गया तीन चौके बारह तीन दुनी छ अरे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या तीन एक कम तीन हो गया एक बचाइए बारह हो गया आपका ठीक है ना तीन चौके बारह हो गया फिर तीन दूनी छः हो गया सात तो कट ही नहीं रहा तीन से एक सेकंड थोड़ा सा सोचने दीजिए इसको रब कीजिए कौन सी संख्या थी आपके सामने ये थी तीन दो छ सात छ कट गया तीन कट गया तो एक काम करो ना नौ से काट लेते हैं इसको ये संख्या नौ से भी तो कटेगी क्योंकि इसका सम जो है नौ से बना नौ बनाओ देखो नौ कट रहा है छह तीन नौ सात दो नौ नौ से भी कटेगी तो इसको नौ के फैक्टर में तोड़ देते हैं कोई दिक्कत नहीं रुक जाओ ऐसे दिमाग लगाओगे ना तो एक दो प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा तो इसको नौ गुणा नौ से बत्तीस काटोगे कितनी बार जाएगा नौ तिया सत्ताईस नौ चौक छत्तीस होता है तो तीन बार ले गया नौ तिया सत्ताइस और बत्तीस बनाने के लिए तीन तीस और दो पाँच बचा तो छप्पन छप्पन नौ छ चौवन होता है ना तो छ आ गया नौ छके चौवन हो गया और दो बचा सत्ताइस नौ तिया सत्ताइस ये आ गया तीन सौ तिरसठ आ गया ठीक है ना तो अब देखो आगे करो दो अगर हम देखें तो किसका स्क्वायर होता है ये तो शायद सोलह का परफेक्ट स्क्वायर होता है ठीक है होता है कि नहीं होता है देखो सोलह का स्क्वायर अगर मैं करना चाहूँ तो छः चक्के छत्तीस के छः असी लगा तीन सॉरी छत्तीस ही लिख देते हैं ठीक है ना एक छक्के छः दूनी बारह नहीं कितना है दो सौ छप्पन ना दो सौ छप्पन किसका स्क्वायर होता है रुक जाओ दो सौ छप्पन को अगर मैं करूं सोलह का करके देखते हैं छः चक्के छत्तीस छः तीन छः कम छः तीन नौ छ छः एक और एक इसको अगर मैं जोड़ू कितना आ जाएगा छः नौ छः पंद्रह का पाँच हासिल लगा एक, एक एक दो दो सौ छप्पन आ रहा है ना हाँ देखो वैसे याद था ये सोलह का स्क्वायर रूट होता है तो यहां से आपका परफेक्टली बाहर सोलह आ जाएगा रूट में तीन बच जाएगा ठीक है ना गुणा और देखिए नौ से तीन बाहर आ जाएगा एक क्योंकि स्क्वायर के अंदर है गुणा अब इसको जरा देखो तीन सौ तिरसठ किसका परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि तीन लास्ट में आ रहा है ठीक है ना कई सारे दिमाग लगाओ अपना अब देखो इसको तीन का मल्टीपल कर देते हैं तीन गुणा तीन एक कम तीन तीन दूनी छह तीन एक कम तीन ये लिख सकते हैं आराम से ठीक है ये बारह आ जाएगा आगे बढ़ाओ इसको थोड़ा सा ठीक है आगे जब बढ़ाओगे तो देखिए ये सोलह गुणा रूट तीन और गुणा तीन और ये देखिए एक और रूट तीन बचेगा एक सौ इक्कीस तो ग्यारह निकल के बाहर आ जाएगा और गुणा रूट तीन ठीक है ना बटे में बारह आ जाएगा ठीक है ना तो अब देखो आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा इसको काट लेते हैं तीन से काटो तीन एक कम तीन तीन चौके बारह चार एकम चार चार चौके सोलह इन सबको गुणा करो रूट तीन से रूट तीन गुणा हो गया तो तीन आ गया तीन चौके बारह बारह गुणा ग्यारह करो तो कितना आ जाएगा बारह में ग्यारह का गुणा करोगे तो ग्यारह दो नहीं बाईस का दो दो कैरी आ गया ग्यारह एकम ग्यारह दो तेरह आ जाएगा एक सौ बत्तीस आपका आंसर आ जाएगा ये आ गया देखिए अगर आप नियम से चलोगे इन सारी चीज़ों से करोगे तो जल्दी कर पाओगे अदरवाइज एक बार सोच के देख लो रूट निकालो जरा निकालना जरा सात सौ अड़सठ का या बत्तीस सौ सड़सठ का स्क्वायर रूट निकालना कितनी जल्दी निकाल पाते हो बहुत टाइम लग जाएगा तो इसीलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा अपना ना माइंड इधर उधर करके फैक्टर करने की कोशिश करो तो बहुत चीजें आसान हो जाएंगी ठीक है ना तो जो बच्चे शुरू से मेरे साथ जुड़े हैं उनको तो सब बहुत मजा आ रहा होगा जो लोग नए होंगे उनको थोड़ा लग रहा होगा कि मास्टर क्या ही पढ़ाया जा रहा है उल्टा सीधा सॉरी ठीक है ना चलो अगला एक और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराता हूं ये देखिए आपके सामने है इसमें कह रहा है एक तो एक बता दूँ इसका जो चार ऑप्शन दिया था इसमें कोई भी आंसर सही नहीं था जब ये सीटेड में आया था तो सबको बोनस मिला था तो इसका जो ऑप्शन आया एक और मैंने जोड़ दिया है चलो देखो दो की घात माइनस एक है तो इसको लिख दो एक बटा दो गुणा एक बटा पांच लिख दो अब ये भाग का साइन है आठ की घात माइनस एक है तो एक बटा आठ लिख दो ब्रैकेट बंद कर दो आपको बोर्ड मास आना चाहिए बोर्ड मास से ही सॉल्व होता है इसको लिख दोगे एक बटा चार प्लस एक बटा आठ और इसकी पावर है माइनस एक ठीक है ना फर्दर इसको जब सॉल्व करोगे तो पांच दूनी दस हो जाएगा नीचे अब ये देखिए एक बटा आठ है और ये भाग का साइन है भाग के साइन को जब आप गुड़े के साइन में बदलते हो तो रेशियो पलट जाता है तो आठ ऊपर हो जाएगा ये नीचे आ जाएगा ठीक है ना इतना आ गया अब यहां पे फिर से देखो ये भाग का साइन है इसको सॉल्व करते हैं आठ और चार का एलसीएम तो आठ ही आएगा चार दूनी आठ चार दूनी आठ, आठ तो ये दो आ जाएगा प्लस एक तीन आ जाएगा इसकी पावर माइनस एक जब आगे फर्दर और सॉल्व करने की कोशिश करें हम इसको ठीक है तो ये आपके सामने आ जाता है आठ बटा दस ठीक है ना और दो एक तीन तीन बटा आठ है लेकिन पावर माइनस वन है तो इसको मैं लिख दूंगा कितना भाग आठ बटा तीन लेकिन ये भाग है भाग को फिर जब आप पलटोगे तब ये गुड़ा बनता है तो आठ बटा दस तो ये आ जाएगा और भाग को कर दिया मैंने गुड़ा तो तीन ऊपर चला गया आठ नीचे आठ से आठ कट गया तीन बटा आप आठ आप तीन बटा आठ, आठ, तीन बटा आठ, आठ आपका आंसर होगा जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं था वैसे उसने सेलेक्ट जो ऑप्शन किया था बी को किया था पर ऑप्शन इसका जो है ई होगा एक तीन बटा आठ सॉरी तीन बटा आठ क्यों ये दस है दस तीन बटा दस ठीक है ना कितनी देर तक की क्लास हो चुकी है काफ़ी तो हो चुकी है ठीक है ना चलो आगे बढ़ते हैं लेकिन अभी अपने पास और क्वेश्चन है ठीक है एक सेकेंड में थोड़ा सा इसको लेफ्ट खिसका दूँ ये हाँ एक ये क्वेश्चन है देखिए इसको ऐसे क्वेश्चन को प्राइम फैक्टर से ही किया जाता है तो अब देखिए अब आपका टाइम में ज्यादा नहीं लूंगा इसलिए कुछ सोल्यूशन ऑलरेडी मैं दिखा दूंगा जैसे कह रहा है कि इतनी संख्या को ए की पावर चार गुणा बी गुणा सी की पावर तीन है जहां ए बी सी अभाज्य संख्याएं हैं तो इतने का मान निकालो तो आपको क्या करना है इनका अभाज्य गुणन खंड करना है मतलब प्राइम फैक्टर करना है दस चौसठ अस्सी का तो देखो मैंने आपको आपके लिए ऑलरेडी यहां पे प्राइम फैक्टर कर रखा है ऐसे करना सबसे पहले दो से शुरू करना दो पचे दस दो तीन छः दो चार दो चौके आठ दो सौ ने सुनना ये हो गया इसी तरह से करते करते आप जब नीचे आओगे जब एक आ जाए तो वहाँ छोड़ देना अब देखो कितना कितना बन रहा है दो कितनी बार है एक दो तीन चार बार है तो दो की घात तो चार हो गया ठीक है ना अब यहाँ पे चार घात किसका दिया है एक का तो इसकी तुलना हो जाएगी एक की घात चार से और उसके बाद अगला फैक्टर आ रहा है ग्यारह की घात तीन तो ग्यारह की घात तीन है और सी को दिया है तीन घात तो सी की घात तीन हो जाएगा अगला आपके सामने दे रखा है केवल एक बार पांच आया हुआ है ये केवल एक बार पांच है तो पांच बराबर हो जाएगा आपके किसके बी के तो ए बी सी आपको पता हो गया होगा क्या क्या होंगे देखिए अब मैं यहाँ पे आप लोगों को कहूंगा गुड़नखंड खुद कर लीजिएगा मैंने आप लोगों को दिखा दिया ठीक है ना तो ए कितना हो जाएगा मुझे बताओ ए हो जाएगा आपका यहां से निकालोगे तो ए बराबर आपका कितने हो जाएगा दो ए बराबर हो गया दो और सी बराबर ग्यारह बी बराबर पांच हो गया अब यहाँ पे सारी वैल्यू रख के सॉल्व कर दीजिए ए बराबर आपके के सामने कितना है दो तो तीन गुणा दो छः हो गया प्लस बी बराबर कितना है पाँच पाँच दूनी दस हो गया माइनस सी कितना है सी है ग्यारह तो ये कर दिया माइनस एक तो दस छः सोलह सोलह में से ग्यारह गया पाँच तो पाँच आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है ना गला मेरा जवाब देने लग गया है लेकिन मैं आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा आज रिवाइज ठीक है मैं अपना काम करूंगा आगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग समझते हो कि नहीं समझते हो लेकिन कर लोगे तो फायदे में रहोगे इतनी बात समझ लो ठीक है ना अच्छा यहां पे आपसे कह रहा है कि अड़तीस पचास में से किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए देखिए अड़तीस सौ पचास को अगर हम इसको भाग विधि से भी करना चाहें तो दो दो का फैक्टर में बना लू ठीक है ना तो सबसे पहले इसको छह से काटेंगे छह छके छत्तीस आ जाएगा ठीक है ना तो दो बचा ये पचास आ गया अब यहाँ पे छः को जोड़ करके छः छः बारह हो जाता है अब मैं बारह के सामने यहाँ पे क्या रखूँ कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो देखो अगर मैं दो ले, ले लेता हूँ तो दो दूनी यहाँ पे दो ले, ले लेता हूँ तो दो दूनी चार और दो बारह दुनी चौबीस ये आ गया इसको घटाओ दस में से चार गया छः और यहाँ खत्म ये छः नहीं होता अगर ये छः नहीं होता तो ये बासठ का परफेक्ट स्क्वायर बन जाता तो यही कह रहा है कि छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटा दूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो जो छह एक्स्ट्रा आया है वही घटा दीजिए तो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ठीक है ना अब अगला चैप्टर आपका शुरू हो जाता है टू और थ्री दोनों एक, एक साथ हम करेंगे ठीक है चलो मैं थोड़ा सा पानी पी लू समझ पा रहे हो ना आप लोग देखो 2D और 3D यहां पे सारा का सारा खेल होता है आपके फार्मूले का जिसको जितने अच्छे से फार्मूले कंठस्थ हैं वो इतने अच्छे परफॉर्म कर सकता है सबसे पहला से आपके सामने एक वर्ग है वर्ग की पहचान क्या होती, सभी होती है सभी भुजाएं बराबर होती हैं और भुजा का वर्ग ही इसका क्या होता है फार्मूला ऑफ एरिया होता है ठीक है ना तो भुजाओं का वर्ग ही होता है उसके बाद आयत होता है इसमें एक लंबाई होता है एक चौड़ाई होता है लंबाई गुणा चौड़ाई इसका क्षेत्रफल होता है ठीक है उसके बाद त्रिभुज होता है मैंने बताई दिया त्रिभुज का एरिया होता है एक बटा दो गुड़े आधार गुड़े ऊँचाई होता है बाकी चीज़ें ऑलरेडी बता रखा है ये एक ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रिपीजियम ट्रिपीजियम क्या चीज होती है देखो ट्रिपीजियम में दो अपोजिट साइड आपस में समांतर होती हैं और दो नॉन पैरल होती हैं मतलब असमांतर होती हैं और इनके बीच की दूरी हाइट होती है ठीक है ना ये ए है ये बी है ये दोनों समांतर है तो ऐसे इसका जो क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल से क्वेश्चन पूछता है इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है एक बटा दो गुड़े समांतर बुझाओं का योग यानी कि ए प्लस बी और गुणा बीच की दूरी यानी कि एच ये अगर फार्मूला याद है तो इसका क्वेश्चन आप कर पाओगे ठीक है ना उसके बाद आपका आ जाता है रोम्बस रोम्बस क्या कहता है बेस गुड़ा परपेंडिकुलर इंटू हाइट ठीक है ना इसका क्षेत्रफल की फार्मूला हो गया और उसके बाद रोमबस के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें ये छोड़ दो ये नहीं पूछा जाएगा काइट से भी नहीं पूछा जाता है आपका क्वेश्चन ये भी छोड़ दो तो जितने सेप पूछे जाते हैं वो मैंने बता दिया बाकी जो क्वेश्चन में आएंगे उनको बता दूंगा अब आपका आ जाता है थ्री डी सेप थ्री डी सेप में भी आपका फार्मूला ही मैटर करता है सबसे पहले आता है क्यूबाइड जिसको कि घनाभ बोलते हैं घनाभ में क्या होता है एक लंबाई होती है एक चौड़ाई होती है एक हाइट होती है इसके कर्व सरफेस एरिया कर्व का मतलब क्या होता है मैं वही बॉक्स फिर लेता हूं आपको समझाने के लिए जैसे ये बॉक्स है इसकी चारों दीवारों को बोला जाता है कर्व सरफेस एरिया और इसकी छत और इसका बेस इसको भी मिला दूं तो इसको बोला जाता है टोटल सरफेस एरिया तो अगर आपको कभी कहे कर्व सरफेस एरिया तो इसका मतलब घुमावदार वाली एरिया पूछ रहा है तो क्यूबाइड का कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला आपके सामने होता है एक सेकेंड सीधा कर लो टू एच ब्रैकेट में एल प्लस बी होता है ठीक है ना टोटल सर्फेस एरिया क्या होता है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है बाहर दो से गूढ़ा आता है ठीक है वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इन एच ठीक है तो ये देखो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता आपको याद ही करना पड़ेगा सॉरी उसके बाद आपके सामने आ जाता है क्यूब यानी कि घन घन की, की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं इनके कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो चार इंटू भूजा का स्क्वायर होता है टोटल सरफेस एरिया छ इंटू भूजा का स्क्वायर होता है वॉल्यूम होता है भुजा का क्यूब ठीक है ना उसके बाद आ जाता है राइट सिलेंडर ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां से क्वेश्चन पूछता है सिलेंडर का कर्व सर्फेस एरिया घुमावदार आता है टू पाई आर एच याद रखना टोटल सर्फेस एरिया होता है टू पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच वॉल्यूम होता है पाईआर स्क्वायर एच ठीक है ना पाईआर स्क्वायर एच जहाँ पे पाई की वैल्यू जो ली जाती है बाईस बटा सात आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा नहीं दिया रहेगा तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं मतलब थ्री पॉइंट वन सेवन वाला भी और बाइस बटा सात भी यूज कर सकते हो अगला आपके सामने आ जाता है कोन कोन का क्या होता है कर्व सर्फेस एरिया होता है पाई आर एल एल क्या होता है ये तिरियक ऊंचाई होती है एल निकालने के लिए पाइथागोरस आर और एच पे लग जाता है ठीक है ना तो एल बराबर अगर निकालना चाहोगे तो रूट अंडर आर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाता है क्योंकि कि एल यहाँ हाइपोटेनियस हाँ, का काम करता है ठीक है अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ तो पाई ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है वॉल्यूम की बात करूँ तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसको तीन से भाग कर दो बस एक बटा तीन पाईआर स्क्वायर एच हो जाता है ऐसे याद रखो उसके बाद स्फेयर आ जाता है स्फेयर का टोटल सर्फेस एरिया देखो जो स्फेयर का टोटल सर्फेस एरिया होता है वही कर्व सर्फेस एरिया भी होता है फोर पाईआर स्क्वायर तो इसके इसलिए कर्व सर्फेस एरिया कुछ नहीं दिया गया है और गोले का जो स्पेयर मतलब गोला होता है गोले का जो आयतन होता है चार बटा तीन पाईआर क्यूब होता है ये भी याद रखोगे कि कितना होता है चार बटा तीन पाईआर क्यूब होता है ये हो गया अब आ गया हेमी स्पेयर अर्ध गोला कर्व सर्फेस एरिया टू पाईआर स्क्वायर टोटल सर्फेस एरिया में एक पाईआर स्क्वायर और जुड़ जाता है नीचे वाला तो तीन पाईआर स्क्वायर हो जाता है वॉल्यूम हो वॉल्यू होता है दो बटा तीन पाईआर क्यूब होता है इसी को दो से भाग दिया है बस ठीक है ना पूरे वाले को दो से भाग दे दिया जिसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप लोग जा करके क्लास देखिएगा चैप्टर वाइज ठीक है ना वहां सब मिल जाएगा ठीक है ना अगला देखिए ये आपके सामने अब इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तब थोड़ा आपको और अच्छे से राहत मिल जाएगी कि हाँ हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ठीक है गला दर्द कर गया मेरा मैं थोड़ा और स्लो पढ़ाऊंगा जो बच्चे यहां तक आ गए हैं आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा ठीक है वैसे आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा आवाज मेरी स्लो रहेगी तो आप लोग स्पीड बढ़ा लीजिएगा एयरफोन डाल करके अच्छे से समझिएगा ठीक है ना यहाँ पे देखिए आपसे क्या कह रहा है कि ए बी सी डी एक समलंब है समलंब का मतलब है ट्रिपीजियम है यहाँ पे लिखा है जिसमें ए बी पैरल है डी सी तो मैं एक ट्रिपीजियम बना देता हूँ ये आपके सामने ट्रिपीजियम बन के तैयार हो गया ए बी और सी डी रहा ए बी सी डी आपस में ये दोनों पैरल हो गई कह रहा है ए बी और डी सी ए बी और डी सी दो एक के अनुपात में तो ये दो अगर है अरे डी सी बड़ा है ना ए बी और डी सी तो ए बी इसका नाम देते हैं बड़ी वाली के क्योंकि दो भाग बड़ा होता है हमेशा एक भाग से तो अनुपात के हिसाब से हमें नाम बदलना पड़ेगा ठीक है ये आ गया आपका यहाँ पे रख दीजिए ए बी सी डी ठीक है ना ये दो एक्स है तो ये एक एक्स है इसने यही दिया है दो अनुपात एक का मतलब होता है एक्स लगा दो तो अनुपात हट जाता है ठीक है ना ये हो गया साथ ही साथ ये इन्होंने और क्या क्या है कि इनके बीच की दूरी बीस सेंटीमीटर है तो ये हाइट जो है एच जो है ये बीस आ गया कह रहे हैं यदि समलम का क्षेत्रफल सात सौ बीस है तो ए बी का मान ए बी की लंबाई बता दो तो मुझे ए बी की लंबाई पता करना है तो समलम का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का फार्मूला अभी मैंने बताया एक बटा दो गुड़े सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो एक्स प्लस दो एक्स तो तीन एक्स ये हो गया समल साइड गुणा बीच की दूरी कितना है बीस तो ये बीस से गुणा कर दिया हमने ठीक है ना और ये क्षेत्रफल ऑलरेडी आपको दे रखा है किसके बराबर दे रखा है सात सौ बीस दे रखा है क्वेश्चन में इसको बराबर कर देता हूं मैं सात सौ बीस के तो दो से इसको काटा दस बार में तो एक जीरो से ये जीरो कट गया तो तीन एक्स आपका बराबर हो गया किसके बहत्तर के ठीक है ना जब तीन एक्स आपका बहत्तर के बराबर हो गया तो एक्स से इसको काटोगे तो कितना आता है तीन दूनी छ तीन चौके बारह चौबीस तियाँ बहत्तर होता है तो एक्स की वैल्यू तो चौबीस आ गई ये वाली साइड आपकी चौबीस आ गई लेकिन उसने ए बी पूछा है तो ए बी चौबीस का दुगुना कर, कर दीजिए तो दो गुना चौबीस दुना अड़तालीस होता है तो आपका जो आंसर आ जाएगा फोर्टी एट सी ऑप्शन में दे रखा है ठीक है ना समझ पा रहे हो देखिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए प्लीज़ आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा एक एक दोस्त को तो शेयर ही कर देना कोई एक तो खास होता ही है तो एक को शेयर कर देना मैं बहुत ज़्यादा की डिमांड नहीं कर रहा आपसे आप लोग भी भविष्य के एक टीचर बनेंगे और सही हकीकत है आप लोग बनोगे जो लोग यहां तक वीडियो देखे हैं वो जरूर बनेंगे ठीक है ना चलो अगला आपसे कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन है ठीक है ना आयतन दे रखा है इतना और इसकी ऊंचाई बारह दे रखा है तो बेलन का आधार क्षेत्रफल आपसे पूछ रखा है तो चलो इसको करते हैं वैसे इसका एक नियम होता है कि ग्यारह से डिविजल वाला देख लो कौन सा आंसर है वैसे यहाँ चारों ऑप्शन ग्यारह से डिविजबल होंगे मैंने चेक किया था अभी जहां अप्लाई होंगे वहां लगाऊंगा इसने देखा बेलन अगर आपके सामने एक ये बेलन है ठीक है ना क्या क्या होता है इसकी हाइट एच होती है यहाँ पे एक रे, रेडियस आर होता है ठीक है ना अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो पाई आर स्क्वायर एच होता है जो कि आपको ऑलरेडी दे रखा है कितना सात तीन नौ दो दे रखा है ठीक है ना सात तीन नौ दो दे रखा है अब पाई की वैल्यू बाईस बट्टा सात आपको रखना है तो मैंने रख दिया बाईस बट्टा सात आर आपको नहीं पता है तो आर का स्क्वायर कर दो हाइट कितनी दे रखी है बारह दे रखी है ये दे रखी है बराबर सात तीन नौ सात तीन नौ दो ठीक है ना ये आ गया अब आपको क्या करना है इनको सॉल्व करके यहाँ से आर स्क्वायर निकाल दो आर स्क्वायर निकालोगे तो जरा देखो यहाँ बाईस है ये संख्या क्या ग्यारह से कट रही है बिल्कुल कटनी चाहिए नौ सात सोलह और तीन दो पांच सोलह में से पांच गया ग्यारह ग्यारह से कटेगा तो ये ग्यारह से काटिए ग्यारह दूनी नहीं बाईस ग्यारह छः के छाछठ छाछठ ग्यारह 77 सतहत्तर हो जाएगा छाछठ और चार तीन सात सेवेंटी नाइन हो गया ग्यारह सत 77 हो गया सेवन नाइन सात और दो बचा तो ये ग्यारह दूनी बाईस इतनी बार में कट गया ठीक है ना छः दो इससे फिर इसको अगर मैं काटूँ सात छः तेरह तेरह दूनी छब्बीस तेरह तेरह सॉरी सात दो नौ छः पंद्रह तो ये तीन से कटेगा तीन से काट दीजिए इसको तीन चौके बारह इधर ये कट गया तीन से इसको काटा तीन दूनी छः और तीन दूनी छः तीन दूनी छः तीन, तीन चौके बारह दो सौ चौबीस आ गया ठीक है ना फिर इसको मैं अगर काटना चाहूँ चार से ये कट जाएगा चारे कम चार चार पच्चे बीस दो बच गया चौबीस चार छः चौबीस ये छप्पन बार चला गया ठीक है ना अब कितना आ गया दो से काटते हैं ये वाला दो बचा था इससे काटोगे दो दूनी चार दो दूनी चार सोलह दो अट्ठे सोलह ये अट्ठाईस आ गया ठीक है ना तो यहाँ पे सात सात इधर गुणा हो जाएगा तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी अट्ठाइस गुणा सात ठीक है देखिए मैं स्क्वायर रूट निकलवाने के परिपेक्ष में ज्यादा नहीं रहता इसलिए इतना तीन पाँच करना पड़ा ठीक है ना तो ये कितना आ जाएगा सात गुणा चार इसको लिख दो गुणा सात तो ये आर स्क्वायर हो गया तो आर कितना आ जाएगा बताइए यहाँ से एक सात निकल जाएगा चार में से दो निकल के आ जाएगा तो सात गुणा दो स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा यानी कि चौदह तो आर की वैल्यू आपको पता चल गई चौदह ठीक है ना अब आपसे पूछा क्या है आधार का क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल होता है आधार का क्षेत्रफल वृत्ताकार होता है ठीक है ना तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई आर स्क्वायर तो बाईस बट्टा सात गुड़ा आर स्क्वायर का मतलब चौदह गुणा चौदह आर अभी हमने निकाला है चौदह इसको सॉल्व कर लो सात दूनी या चौदह तो अब देखो आप आंसर पकड़ना चाहो तो यूनिट प्लेस से भी पकड़ सकते हो कैसे चार दुनी आठ आठ दूनी सोलह लास्ट में छह इसी का दिख रहा है तो यही आपका आंसर हो जाएगा तो पूरा गुड़ा करोगे तो भी 616 आ जाएगा ठीक है ना तो जितना भी टाइम बचा सकते हो पेपर में उतना बचाने की कोशिश करना और कभी भी कोशिश करना कि फैक्टर कर करके सोल्यूशन करना बड़ा अगर सोल्यूशन पे जाओगे तो आपको दिक्कत होगी दिक्कत क्या होगी कि स्क्वायर रूट निकालना काफी टफ हो जाता है तो वहां घबरा जाओगे आप ठीक है ना अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि एक तार वृत्त की आकृति के रूप में है जिसका कि क्षेत्रफल एक सेंटीमीटर स्क्वायर है इस तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है वर्ग का क्षेत्रफल बताओ पहले ये वृत्त था इसी तार को खोल करके हमने स्क्वायर बना दिया तो ये स्क्वायर बन गया ठीक है ना इसका क्या मतलब होता है जब हम एक ही तार को खोल करके स्क्वायर बनाते हैं तो इसका जो लेंथ होगी इस तार की लेंथ होगी यानी कि टू पाई आर टू पाई आर इसके परिमाप के बराबर होगी फोर इन साइड फोर ए के बराबर होगी इसका अगर साइड ए है तो वर्ग का ठीक है ना तीन के परिमाप आपस में बराबर होते हैं तभी ये तार बनाना संभव है ठीक है जिसका क्षेत्रफल इतना दे रखा है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ये आर है वैसे मैं अगर बताऊं तो आपको कुछ चीज़ें याद भी रहनी चाहिए अगर किसी वृत्त का क्षेत्रफल एक है तो उसकी रेडियस सात होती है लेकिन मैं निकालूंगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखा है एक ठीक है ना तो अगर मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू रख दूँ बाईस बट्टा सात गुणा आर स्क्वायर बराबर एक सौ चौवन करूँ अब मैं काटू अगर इसको चार एक पाँच ग्यारह से कटेगा ग्यारह ग्यारह एकम ग्यारह ग्यारह चौक चौवालीस चो चौदह आ गया दो सत्य चौदह सात गुणा सात तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई सात गुणा सात हो गया ना आर स्क्वायर की वैल्यू सात गुना सात हो गया इसका मतलब आर की वैल्यू निकल के आपके सामने सात आ गई मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर एक सौ चौवन होता है तो आंसर सात आता है आर तो मन करे तो याद कर लेना हमें तो याद रहता है ये चीजें बार बार करा करा के भी और कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए इसे याद रखा भी जाता है ठीक है ना तो आर की वैल्यू कितनी आ गई सात आ गई इसने आपसे कितना पूछा है अच्छा तो बताओ इस तार की लंबाई आप कैसे निकालोगे सात पता चल गया ना पेन क्यों रुक रहा है एक सेकंड रुक जाइए अब मुझे बताओ इस वृत्त का पैरीमीटर कितना होगा दो गुड़ा बाईस बट्टा सात गुड़ा आर आर कितना आया सात सात से सात कट गया बाईस दोनों चवालीस तो चौवालीस मीटर का यह तार है 44 मीटर के इसके चार घेरा बनाओ तो 4a ए बराबर चवालीस करोगे तो ए कितना आ जाएगा आपका इससे काटोगे 11 आ जाएगा तो एक भुझाए 11 11 11 चारों बुझाएँ वर्ग की 11 11 हो जाएंगी उसने वर्ग का क्षेत्रफल पूछा था तो 11 का वर्ग ही इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर ही तो होता है वर्ग का स्क्वायर करोगे तो वही भुजा का वर्ग ही तो होता है क्षेत्रफल समझ गए आप लोग ठीक है यहाँ तक हो गया चलो क्या करें यहीं तक छोड़ दें क्या क्लास को चलो करवा देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है देखिए यहाँ क्या कह रहा है एक लंब वृत्ति बेलन का आयतन दे रखा है इतना और इसकी ऊंचाई चौदह दे रखी है और बेलन का वक्र पृष्ठ दे रखा है आपको पृष्ठी क्षेत्रफल क्या होगा ये पूछा है टू पाई आर एच पूछा है टू पाई आर एच पूछा है तो देखिए वॉल्यूम से आर निकालो यहाँ आर रख के कैलकुलेट कर लो इसका आंसर दो सौ चौसठ आएगा ये आप लोग खुद कर लीजिएगा ये होमवर्क लिख लीजिए ठीक है ना क्योंकि सेम टाइप का कर करेंगे तो अभी एक चैप्टर दो चैप्टर और करवाने का मेरा मन है तो आप लोग का बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होगा तो एक सेम टाइप के क्वेश्चन नहीं करेंगे हम लोग ये भी सेम बेस्ड है इस पर भी आधार का क्षेत्रफल अभी जस्ट हमने एक आधार का क्षेत्रफल निकलवाया है आपका तो सेम आधार के क्षेत्रफल पे इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा ठीक है ना ये भी आपका होमवर्क रहेगा आगे बढ़ते हैं अब हम आ जाते हैं प्रॉफिट लॉस और मीन मीडियन मोड पे एक अलग अलग चैप्टर अपना ठीक है ना तो मैं थोड़ा सा और पानी पीऊंगा ठीक है जब तक ये पानी चलेगा तब तक हम लोग क्लास करेंगे ठीक है चलो यहां पे आ गया अब क्या पढ़ना है हमें पहले प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट समझते हैं फिर मीन मीडियन मोड का समझते हैं फिर इनको रिवीजन कर लेंगे ठीक है चलो देखिए सबसे पहले देखिए प्रॉफिट लॉस के लिए हमें पता होना चाहिए तीन वर्ड एक होता है क्रय मूल्य जिसको कि सीपी बोलते हैं क्रय मूल्य इसको अगर मूल्य में कुछ और चीजें बढ़ा करके लिख दे तो उसको मार्क प्राइस बोलते हैं अंकित मूल्य जैसे सौ रुपए की कोई सामान खरीद के लाए आप ठीक है ना उस पर डेढ़ उसको लिख दिए आप डेढ़ सौ के खरीद के लाए तो पचास बढ़ा के लिख दिए तो इसी को बोलते हैं अंकित मूल्य और छूट हमेशा दी जाती है किस पे अंकित मूल्य पे छूट दी जाती है छूट देने के बाद जिस पे बोला जाता है उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य ठीक है ना देखो, और देखो प्रॉफिट और लॉस हमेशा इनके बीच होता है क्रय और विक्रय के बीच क्या होता है प्रॉफिट और लॉस होता है कभी भी आपको प्रॉफिट लॉस की कंडीशन में मार्क प्राइस को इन्वॉल्व नहीं करना होता है ठीक है ना इतना समझ गए तो अब मैं आपको बताता हूँ लाभ क्या होता है अगर आपको लाभ निकालना है तो आपने कितने का बेचा है और कितने का खरीदा है, उनका अंतर पता कर लो तो लाभ आ जाता है अगर हानि पता करना है तो कितने का खरीदा आपने और कितने का बेचा है कितने कम में बेचा जैसे सौ का खरीदा पचहत्तर में बेचा तो पच्चीस का हानि हो गया तो ये हानि हो गया लेकिन जब प्रतिशत निकालोगे लाभ प्रतिशत ही ज्यादा पूछा जाता है ठीक है ठीक <coughs> है तो लाभ प्रतिशत अगर आपसे पूछा एक सेकंड में लाइट थोड़ा सा ऊपर कर दूं आंख दर्द करने लग गई इतनी देर से आंखों पे जल रही है साफ तो अभी भी मैं दिख ही रहा हूं देखो लाभ प्रतिशत अगर आपसे पूछेगा तो लाभ जो एक्चुअल लाभ है नीचे क्रय मूल्य गुणा सौ कर दोगे तो लाभ प्रतिशत आ जाता है हानि प्रतिशत पूछता है तो ऊपर हानि लिख दीजिएगा नीचे क्रय मूल्य गुणा सौ कर दीजिए तो हानि प्रतिशत आ जाता है अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ये सब कुछ नहीं कराऊंगा और आसान कराऊंगा आप लोगों को ठीक है ना अभी आप देखिएगा पर आपको ये चीजें पता होनी चाहिए देखिए साधारण ब्याज क्या होता है पी आर टी बटा हंड्रेड होता है पी आर टी बटा हंड्रेड मतलब मूलधन गुड़ा दर गुड़ा समय बटा सौ साधारण ब्याज बहुत आसान होता है ये आप निकाल सकोगे ठीक है ना अच्छा इसमें मिश्र धन यानी कि अमाउंट की बात करें तो उसका फार्मूला होता है प्रिंसिपल गुड़ा ब्रैकेट में वन प्लस आर बटा हंड्रेड की पावर एन ये होता है आपका अमाउंट होता है ठीक है ना अगर मैं सीआई की बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट की तो फार्मूले से अगर करोगे तो अमाउंट में से मूलधन घटा दोगे तो कंपाउंड आ जाता है ठीक है ना ये समझिए एक थ्यूरी आपको थोड़ा और याद रखना है क्या याद रखना है कि अगर एक्स प्रतिशत तथा वाई प्रतिशत दो लगातार वृद्धि होती है तो सक्सेसिव होता है अगर टोटल तो, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने आपको पहले दस प्रतिशत बढ़ा दिया आपका तनख्वाह सैलरी से, फिर एक बार दस प्रतिशत बढ़ा दिया तो आप टोटल कितनी वृद्धि होगी तो आप बीस मत कह देना गलत हो जाएगा ये इक्कीस प्रतिशत होता है कैसे होता है वो इससे निकलता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा हंड्रेड तो ये पता होना चाहिए जैसे देखो ये इक्कीस आया है ये एग्जाम्पल भी यहाँ पे देख लो ठीक है अच्छा एक थ्योरी एक चैप्टर और इसी वक्त बता देता हूं एज वाला आयु वाले ठीक है ना तो आयु वाले प्रश्न में क्या होता है दो व्यक्तियों की आयु के बीच का अंतर हमेशा समान रहता है फिर वो चाहे वर्तमान हो या कुछ साल बाद हो या कुछ साल पहले की बात हो एक ये फंडा पकड़ के चलना कि दो व्यक्तियों की उम्र का अंतर आज जो है वही बीस साल बाद भी होगा और बीस साल पहले भी वही रहा होगा तो आयु का अंतर हमेशा फिक्स रखा जाता है ठीक है ये बात आपको पता होनी चाहिए अच्छा एक वर्क वाले से क्वेश्चन बनता है टाइम एंड वर्क से तो इसका एक फार्मूला लिख लो एम वन डी वन टी वन होता है आदमियों की संख्या या फिर मशीनों की संख्या एक मिनट आग ही जलने दो वरना नींद आ जाएगी मुझे ठीक है एम ऑन होता है मशीन या आदमी की संख्या डी डी होता है दिनों की संख्या टी वन होता है टाइम की संख्या ठीक है ना एम टू उसी तरीके से हो जाएगा उसी के पहले डब्लू होता है किए गए काम की संख्या जैसे सॉरी दस आदमी मिलकर के सौ चेयर बनाए पचास आदमी मिलकर के सौ चेयर कितने दिन में बनाएंगे तो डब्ल्यू जो हो जाएगा सौ के बराबर हो जाएगा चेयर की वैल्यू हो जाएगी ठीक है ना बाकी यहां सारी चीजें लिखी हुई हैं ये आप समझ सकते हैं अब एक चैप्टर मीन मीडियन मोड भी आपको पढ़ाना था तो उसको पढ़ा देता हूं मीन क्या होता है आपके सामने बहुत सारे आंकड़े दिए होंगे अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो सब समझ में आ जाएगा मीन को हिंदी में माध्य बोलते हैं माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं सारे आंकड़ों को जोड़ करके नंबर से भाग दे दो जैसे वन टू थ्री फोर का अगर मुझे माध्य निकालना है तो एक दो तीन तीन छ चार दस दस को भाग दे दोगे एक दो तीन चार से तो ये आपका माध्य आ जाता है ठीक है तो ये बात समझ में आ गया मीडियन क्या होता है यानी कि मादिका क्या होती है मादिका क्या होती है देखो इसको ना फार्मूला बहुत अजीब होता है फार्मूले पर मत जाओ मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो समझ लेना संख्याओं को पहले आरोही क्रम में लिख देना ठीक है ना जैसे यही चार संख्याएं हैं अगर ये संख्याएं सम है जैसे एक दो तीन चार है ये सम संख्या हो गई तो इनके बीच की दो उठाना जैसे दो और तीन इनको जोड़ के दो से भाग दे दो तो ये मीडियन आ जाता है अगर ये संख्याएं विषम है तो बीच वाली संख्या ही मीडियम होती है जब वो आरोही क्रम में हो ठीक है ना तो यहाँ पे हमने वही बातें लिख रखी है सबसे पहले आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखो और अगर आंकड़े विषम है तो बीच की बीच वाला पद ही मीडियन होता है जैसा कि मैंने बताया जैसे अगर मैं बता दूं वन टू थ्री फोर फाइव है तो इसका मीडियन तीन आ जाएगा ठीक है ना कह अगर आंकड़े सम है तो बीच की दो मीडियन होकर के जोड़ करके दो से भाग दे दो तो वो मीडियन आ है। तो ये, ये बात आपको समझ आ गई होगी अब उसके बाद हम लोग आ जाते है, सबसे ज्यादा बार रिपीट की हुई होती है उसे हम लोग बहुलक बोलते हैं ठीक है ना एक रिलेशन होता है मीन मीडियन और बहुलक में मोड में तो बहुलक बराबर होता है तीन गुड़ा मादी का माइनस दो गुड़ा मादे ठीक है ये पता होना चाहिए मोड बराबर थ्री इंटू मीडियन माइनस दो मीन ठीक है अच्छा एक पूछा जाता है आपसे रेंज क्या होता है रेंज या इसी को परास भी बोलते हैं या परिसर बोलते हैं ये क्या होता है आंकड़े में सबसे बड़ा और सबसे छोटे का अंतर जैसे 1, 2, 3, 4, 5 है तो सबसे बड़े में से सबसे छोटे को घटा दो तो पांच में से एक गया चार इसका परास आ जाता है रेंज आ जाती है समझ गए सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अब हम इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ठीक है ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार हो जाए ठीक है ना देखिए आप लोगों के लिए काफ़ी मैं मेहनत कर रहा हूँ ठीक है अभी मैं एक बैच सीटेड का पढ़ाया था ये दूसरा बैच पढ़ा रहा हूँ ठीक है अगर आप लोगों को लगता है कि मैं वाकई में मेहनत में कर रहा हूँ और मेरी मेहनत से आपको कुछ भी हेल्प मिल रहा है आपकी तैयारी बेहतर हो रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है और एक दो दोस्त को ज़रूर जोड़िएगा ठीक है आप यकीन मानिए अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हैं ना आने वाले टाइम में आपको इस चैनल से क्या क्या मिलेगा आप यकीन नहीं कर सकते ठीक है चलो फिलहाल हम बातों में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं ये क्वेश्चन है आपके सामने कह रहा है निम्न आंकड़ों के लिए परिसर यानी कि रेंज माध्यक आ, मीन तो रेंज मीडियन एंड मॉड अच्छा मीन निकालना है कह रहा है माध्यक और बहुलक तीनों निकालो और फिर उन तीनों का माध्य निकाल दो ठीक है ना तो ये काम करना है तो चलो निकालते हैं ये आंकड़ा आपके सामने दिया है तो देखो सबसे पहला स्टेप होता है कि इनको बढ़ते क्रम में लिख लो तो देखिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा था इसलिए मैंने ऑलरेडी इसको बढ़ते क्रम में लिख रखा है तो इसका बढ़ता क्रम ये आ जाएगा अब आपसे मैं बोलू इसका रेंज कितना आएगा तो आप कहोगे कि सर सबसे बड़ी में से सबसे छोटी घटा दो तो अट्ठारह में से पांच चला जाता है तो कितना बचता है तेरह पांच अट्ठारह होता है ना तो रेंज तो तेरह आ गया अब मैं पूछू मोड कितना होगा मोड मतलब बहुलक मोड कितना होगा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो तो देखो सबसे ज्यादा बार आठ 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 इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा रिपीट हुआ है आठ तो ये मोड हो गया ठीक है अब मीडियन बताओ कितना हो जाएगा मीडियन मीडियन मैंने बताया था अगर संख्याएं ऑड है विषम है तो बीच वाला ही मीडियन होता है गिनो कितने हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह पंद्रह तो ऑड होता है तो सात इधर छोड़ दो सात इधर छोड़ दो तो एक दो तीन चार पाँच छः सात सात इधर छोड़ दिया तो ये वाली बच गया आठवां जो हो जाएगा आपका मीडियन हो जाएगा मीडियन निकल के आ गया नौ अब उसने कहा है कि ये जो मीन मीडियन मोड और रेंज निकाले हो ना इसका आप माध्य निकाल दो मी, मीन निकाल दो तो मीन का फार्मूला क्या होता है आंकड़ों को जोड़ के नंबर से भाग दे दो तो जोड़ते हैं तेरह प्लस आठ प्लस नौ जोड़ के कितने से भाग दूं टोटल संख्या कितनी है एक कि दो तीन तीन से भाग दे दो ठीक है तीन से जब भाग दोगे तो बताओ कितना आ जाएगा नौ आठ सत्रह सत्रह में तेरह जोड़ोगे सत्रह तीन बीस तीन तीस आ गया तो ये तीस बटा तीन आ जाता है तो काटोगे दस आ जाएगा आपका आंसर तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दस आ जाएगा ठीक है ना चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ तक अगर जो देख रहे हैं ना वो सारे सीरियस स्टूडेंट हैं मेरी कि, कि, किसी भी एक्टिविटी को बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि वाकई थकान हो जाती है लगातार और खासकर जब मैथ पढ़ाओ थ्योरी वाले सब्जेक्ट में पाँच सौ क्वेश्चन डिस्कस कर दो उतना हर्ट नहीं होता उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता लेकिन मैथ वाले में दिमाग लगाना पड़ता है बोलना पड़ता है समझाना पड़ता है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सामने नहीं होते हो लैपटॉप को समझाना पड़ता है आपको मान करके ठीक है ना तो आप फीलिंग्स को समझ सकते हो ठीक है चलो अब आ जाते हैं प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन है इसको मैं सॉल्व करवा देता हूं आपके सामने यहां आपसे कह रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य एक सेकंड मार्क प्राइस है है कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 25 अधिक है यहां पे मूल्य के आगे लिख लो तो मार्क प्राइस को क्या बोलते हैं क्रय तो, लिखित मूल्य मार्क प्राइस का मतलब वही तो हुआ ठीक है ना मार्क प्राइस हो गया हाँ ये मार्क प्राइस की बात कर मार्क प्राइस उसके क्रय मूल्य से पच्चीस अधिक है पर अंकित किया गया है ठीक है मतलब अंकित मूल्य ये अंकित लिख लो इसके आगे अंकित मूल्य किया गया है यदि वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर पच्चीस प्रतिशत छूट देकर बेचा जाता है तो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपसे पूछ रहा है चलो मैं आपको समझाता हूं आप मान लो आपके पास एक सीपी होता है इस पर बढ़ा करके आपने मार्क कर दिया कोई एमपी हो गया उस पर छूट दे करके आपने एसपी कर दिया ये तीन काम करते हो आप आप कहोगे कि सर बिल्कुल करते हैं ठीक है ना मैंने माना आपने जो चीजें खरीद के लाई वो सौ रुपए का था ये कह रहा है पच्चीस बढ़ा के आपने लिखा तो आपने लिखा होगा एक लिखा होगा बीस क्यों लिख रहा हूं मैं यहां पे एक सौ पच्चीस लिख दिया आपने पच्चीस प्रतिशत बढ़ा करके लिख दिया ठीक है ना अब ये कह रहे हैं कि यदि वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर पच्चीस परसेंट छूट दे दे तो एक सौ पच्चीस पे पच्चीस परसेंट छूट दोगे तो वो बेचोगे आप एक सौ पच्चीस पे जब पच्चीस प्रतिशत छोड़ दिया तो आपने एक का पचहत्तर परसेंट पे बेच दिया एक का पचहत्तर पे बेचा होगा अरे बताओ तो सही बात बोल रहा हूं ना आपने एक पे पच्चीस छूट दे दिया तो बेचा कोई चीज़ बेचते हैं सौ परसेंट में लेकिन उसने कहा पच्चीस परसेंट तो आपने छूट दिया हुआ है तो बेच रहे हो पचहत्तर पे ठीक है ना ये क्या हो गया अब देखिए मुझे लगता है इसको एंड करना पड़ेगा क्योंकि स्क्रीन भी थोड़ा सा दिक्कत कर रही है ठीक है ना चलो ये आप कोशिश करते हैं इसको समझाने की रिकॉर्ड हो जाए बस देखो इसको सॉल्व करो पाँच से करो पाँच बीस में सौ पच्चीस पच्चीस एक सौ पच्चीस पच्चीस फिर पाँच पच्चे पच्चीस पाँच सौ के बीस ये आ गया पाँच बुढ़ा पचहत्तर ये आपका आ जाएगा सौ रुपये का ख़रीदा था आपने पाँच गुड़ा पचहत्तर में बेच दिया पाँच गुड़ा पचहत्तर बटा चार इतने में बेचा है तो आपको क्या हुआ पहले ही तो ये बताओ सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए पाँच को पचहत्तर में गुड़ा करोगे तो कितना आएगा तो ये तो सी हो गया ये बताओ पाँच पच्चीस पच्चीस का पाँच हसी लगे दो पाँच सत्तर पैंतीस दो सैंतीस तीन सौ पचहत्तर बटा चार तो तीन सौ पचहत्तर बटा चार में आप बेच रहे हो इसका मतलब सौ से कम है ये क्योंकि चार से भाग देते तो ये चार सौ होता तो सौ होता सौ से कम है तो आपको एक बात तो पता होगी कि आपको हो रहा है क्या हानि हो रही है आपने सौ को खरीदा और कम में बेच रहे हो तो हानि हो रही है तो वाला वाला दो ऑप्शन तो तो कट गया लाभ तो इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन है तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए लॉस प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है इनका अंतर निकाल करके सौ से भाग दे करके सौ से बूढ़ा करते हैं तो बताओ कितने का हानि हुआ तो सौ माइनस तीन सौ पिछहत्तर बटा चार और सीपी uh, कितना है सौ है और गुणा कर दीजिए सौ से तो ये प्रतिशत हानि हो गया इसे सॉल्व कर लीजिए जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये सौ से सौ कट जाएगा ऊपर सौ में से तीन 300... सौ ऊपर ऊपर आपका आ जाएगा तीन सौ पचहत्तर कहें आ रहा है पचहत्तर पच्चे अच्छा 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 ये चार सौ होगा ना क्योंकि आप एलसीएम लोगे ना ऐसे घटाना है सौ माइनस तीन सौ पचहत्तर बटा चार तो एलसीएम लोगे तो ये बात आएगी ठीक है ना तो चार सौ में से तीन सौ पचहत्तर चला जाएगा आपका तो बचेगा पच्चीस तो इस सौ कट गया चार तो आपका जो आंसर आएगा पच्चीस बटा चार जिसको कि सॉल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा छः चौके चौबीस चार छः सही एक बटा चार की हानि बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा ठीक है ना चलो पता नहीं रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है आई होप कि होनी चाहिए ठीक है एक देखिए मीन मीडियन मोड का सेम क्वेश्चन है इसको आप फार्मूले से कर, कर लेना सब समझा दिया होमवर्क रहेगा ठीक है, रहे है ना एक देखिए मेरा अच्छा एक अलग चैप्टर है आपका ये है प्रायिकता वाला प्रायिकता वाला देखिए आप लोगों को समझा दूंगा मैं यहां पे आपको क्वेश्चन देखना हो तो भले ही देख लीजिए अब मैं आपको आपके इसका टाइम जो है ज्यादा भी हो रहा है इसको मैं खत्म करना चाहूंगा क्लास को ठीक है ना चलो एक सेकेंड एक पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है उसको और करा दू फिर छोड़ दूंगा अच्छा एक ये क्वेश्चन कर लो ये आसान सा है ठीक है जल्दी हो जाएगा यहाँ कह रहा है यदि x का मान y के मान से 25 प्रतिशत अधिक है देखो एक एक्स है ये वाई है कह रहा है एक्स का मान वाई से पच्चीस प्रतिशत अधिक है अगर पच्चीस वाई के पास सौ रुपया है तो इसके पास इसको एक सौ पच्चीस होना चाहिए सिंपल सी बात है तो कह रहा है वाई का मान एक्स से एक्स के मान से कितना कम है कितने प्रतिशत कम है तो कह रहा है किससे अंतर देख लो कम निकालने के लिए प्रतिशत प्रतिशत लॉस निकालने के लिए क्या करते हैं ऊपर लॉस देखो कितना है तो पच्चीस कम है किससे से एक सौ पच्चीस से तो नीचे एक सौ पच्चीस हो जाएगा गुणा सौ इतना आंसर आ जाएगा पांच पच्चे पच्चीस पच्चीस से कम पच्चीस पच्चीस पच्चे एक सौ पच्चीस पांच इसको काटोगे बीस बार में ठीक है ना तो ये बीस आ जाएगा बीस प्रतिशत आपका आंसर हो जाएगा ठीक है ना ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं और है क्या अब लैपटॉप ना जवाब दे दे अब एक देखो आप लोगों के साथ कोण कोटिपूरक और संपूरक का है ठीक है कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट का देखिए कॉम्प्लीमेंट ऐसे दो एंगल होते हैं जिनका कोण 90 होता है जो जिनका योग 90 होता है सप्लीमेंटर ऐसे दो कोण होते हैं जिनका योग 180 होता है उससे कर लीजिएगा इसका आंसर 25 आएगा नहीं अगर होता है तो ये वाले बचे हुए चैप्टर में अलग से ले लूंगा अगला चैप्टर आपका पाई चार्ट का है पाई चार्ट का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ तब आपका रिविजन हो जाएगा देखिए पाई चार्ट में क्या होता है आपको सारा डेटा सर्कल पर दिखाना पड़ता है इस तरह से चार चार्ट होता है ठीक का जो लोग पढ़े हैं उनको जल्दी समझ में आ जाएगा यहाँ पे देखिए पाई चार्ट से आपको ये सॉल्व करना है कह रहा है एक विद्यार्थी ने किसी परीक्षा में पांच विषयों में कुल 630 अंक प्राप्त किए 630 अंक प्राप्त इसका मतलब 630 जो है आपका बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के क्यों कि टोटल जो होता है अंक वो टोटल कोण के बराबर होता है तो जीरो से जीरो काट देंगे तो तिरसठ बराबर छत्तीस आ जाएगा अगर कोई बच्चा तिरसठ नंबर पाता है तो छत्तीस डिग्री वाला आता है ठीक है ना ये समझ गए आपके सामने कह रहा है कि जब वह हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान के प्रत्यांग क्रमशः पैसठ तिरपन इतने इतने दे रखे हैं क्षेत्र के कोण बनाते हैं तो विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक पाया है सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गणित और हिंदी गणित और हिंदी के बीच के अंकों का अंतर कितना है गणित वाला कौन सा है हिंदी वाला पहला है पैंसठ है गणित वाला तीसरा है पचासी है इनके बीच का अंतर कितने का बीस डिग्री का ठीक है ना बीस डिग्री का अंतर है ये कह रहे हैं तिरसठ नंबर अगर तिरसठ नंबर पाएगा जब छत्तीस डिग्री बनेगा ठीक है ना तो यहां पे कह रहे हैं कि बीस डिग्री बनाया है तो कितना कोण बचेगा छत्तीस <coughs> दुना बेहतर होता है बीस दुना चालीस तो चालीस से कम आपका आंसर होगा तो पैंतीस आंसर हो जाएगा ऐसे भी लेकिन मैं करवा देता हूं आप कहोगे कि कुछ मास्टर इतने ज्यादा शॉर्ट मार रहा है ठीक है ना इधर देखो छत्तीस डिग्री की वैल्यू है तिरसठ तो एक डिग्री की वैल्यू आ जाएगी तिरसठ बटा छत्तीस तो बीस डिग्री करना है तो इधर भी बीस से गुणा कर दो इधर भी बीस से गुणा कर दो तो ये काटोगे जब तो आपके सामने आ जाएगा चार नाम छत्तीस चार पचे बीस तो नौ सते तिरसठ सात पचे पैंतीस पैंतीस आपका आंसर आ जाएगा तो बच्चे को जो मैथ में मिला है उससे गणित से, से पैंतीस नंबर अधिक मिला है ठीक है ना आई होप कि आप लोगों की आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी ठीक है ना अगर समझ आई है तो प्लीज़ काफी मेहनत हो जाती है मैथ समझाने में ठीक है और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर अच्छा लगा है और ये बताइए कि आपको इसी तरीके से क्या मैं साइंस वाले चैप्टर को भी रिवाइज करवा दूँ पूरी थ्योरी पूरा प्रश्न जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट चैप्टर ही करा रहा हूँ इसमें बहुत सारे चैप्टर है लेकिन ये ऐसे चैप्टर लिया था आज मैंने जो बार बार पूछे जाते हैं और आप कमेंट करोगे तभी इसका पार्ट टू लेके आऊंगा जिसमें आपको अल्जेबरा भी नहीं हुआ है वो बता दूंगा और प्रायिकता वाले चैप्टर है और कुछ बचे हुए अन्य टॉपिक उनको करा दूंगा तो ये आपके कमेंट पे डिपेंड करेगा अगर आप लोग वीडियो को सपोर्ट करोगे कमेंट करोगे तो मैं आपको ये भी करा दूंगा ठीक है तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बाय बाय टेक केयर थैंक यू सो मच पढ़ाई करते रहिए फिर मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपन अपना ध्यान रखिए जय हिंद